नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। फाइन विनय, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सर, थैंक यू। कैसे हैं? बस
जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैक्सवेल जी। गुड मॉर्निंग विनय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनय जी। गुड मॉर्निंग ब्रदर। विनय शिखा लॉग इन। हाँ अभी ज्वाइन कर रही थे, अभी बात हुई है, वो सही ज्वाइन हुआ। मैं देख रहा हूं कि पैनल में बैठे हुए सदस्यों में अमर सिंह जी हैं, अर्जुना वाड़ी। अमर सिंह जी को सुबह का नमस्कार। दूसरे मेंबर्स इसमें श्री अवतार सिंह जी भी आज इस क्लास में हैं, अवेलेबल हैं, उनको भी वेलकम करता हूं। अवतार सिंह जी को गुड मॉर्निंग। इस पैनल पर अवेलेबल सभी सेक्रेटरीगण से मेरी आग्रह है, जो सेक्रेटरी सुन रहे हैं या कोचेस सुन रहे हैं, वे सभी से मेरा आग्रह है कि अपने टीम के खिलाड़ियों को आप प्रोत्साहित करें, इनकरेज कीजिए इस क्लासेस में अटेंड करने के लिए। एवरीवन यू मस्ट टेक इंटरेस्ट, कोचेज को इंटरेस्ट लेना होगा बच्चों को इसके विषय में, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ स्टार्ट के समय में 900 प्लस पीपल इस पर अवेलेबल थे, बट संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि आई अंडरस्टैंड जो जो रियल सुनने वाले मटेरियल हैं, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे आर रियली इंटरेस्टेड, वही लोग डे टू डे क्लास अटेंड कर रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग होते हैं हर जगह क्लास में आए और गए, आए राम गए राम, यानी कि अपना शक्ल दिखाया, दे रियली डोंट हैव इंटरेस्ट, बट जो सीखना चाहते हैं, जो आगे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वे सभी खिलाड़ी कोचेज डेली सुन रहे हैं। मैं इसमें देखता हूँ अक्सर की बहुत सारे चेहरे जो डेली अटेंड कर रहे हैं, एंड दे आर रियली दे आर आस्किंग क्वेश्चन, इनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो लॉट ऑफ पीपल, एटलीस्ट 200 to 300 पीपल आर रेगुलर। इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी हमारे उस पर फेसबुक पर भी जाकर देखते हैं, इसको यूट्यूब पर जाकर देखते हैं, तो इस प्रकार से हम ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा हमारे खिलाड़ी और कोचेज इन क्लासेस के जरिए बेनिफिट उठा रहे हैं। और एक और बताना चाहूँगा कि ये डे टू डे जो क्लासेस है फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी अपलोड की जा रही है। फेसबुक पर तो लाइव चल रहा है, तो जिसको भी कोई क्लास थोड़ी सी कोई ठीक से समझ में नहीं आई या आप किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाए, तो यू कैन गो एंड वॉच, इसको दोबारा आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दो बार चार बार फिर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर कुछ वजह से आपको नहीं आई, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो विनय कैन वी स्टार्ट नाउ।
Sir. Hello. Yes. Shikha ji ne join kar liya hai. Okay. Mere ko 2 minute dijiye. Right. So, जब तक कि हमारी जो आज की पैनलिस्ट अभी शामिल नहीं हुई है, जैसे क्लास टेक ओवर करेंगे उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल साइकिलिंग कोचिंग कैंप हमने एक शुरू किया है जस्ट मंडे से, कल से ही शुरू हुआ है आईजी स्टेडियम में, जहाँ पर 16 खिलाड़ियों को बुलाया गया है अभी पहले टर्म में। ये आपके स्प्रिंटिंग ग्रुप के, ट्रैक स्प्रिंट ग्रुप के बच्चे हैं, जो सभी 16 खिलाड़ियों को और 4 कोचेज अभी आईजी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू की जा चुकी है। हालांकि इनको काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, इनको अपने आप को बचाव करके और कोरोना से बचते हुए ट्रेनिंग, अभी उनको 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन किया गया है। तो मोस्ट लाइकली अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने फेज वाइज एक एक कोचिंग कैंप्स को मंजूरी देनी शुरू की है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सराहनीय कदम, जिसमें हमारे 16 साइक्लिस्ट स्प्रिंटिंग ग्रुप के आईजी स्टेडियम न्यू दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत ही सराहनीय कदम है कि दोबारा से स्पोर्ट्स एक्टिविटी और कोचिंग कैंप शुरू करना, ये एक साइकिलिंग फेडरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, देन लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल इन द ई पाठशाला क्लासेस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया and Cycling Federation of India. Today, the panelist is Ms. Shikha Srivastava. She is a sports nutritionist and employed by Sports Authority of India at IG Sports Complex at National Center of Excellence, New Delhi. Gentlemen, Shikha ji, वहाँ पर 3 camp देखती हैं. She is nutritionist for बॉक्सिंग कैंप एज वेल एज जिम्नास्टिक एंड साइकिलिंग ऑल्सो। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, मिस शिखा से, कि आज के जो क्लास है जिसमें कि न्यूट्रिशन फॉर साइकिलिस्ट एंड हाइड्रेशन, इसके इस टॉपिक पर वे आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगी। सो मिस शिखा, प्लीज टेक ओवर। मिस शिखा, आपको अपने आप को अनम्यूट करें और यू कैन स्पीक नाउ। आप अपना शेयर कर सकती हैं, स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। जी हेलो हेलो, यस बोलिए, आवाज आ रही है? जी, हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है आपको शेयर में? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूँ। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू वीएन सर
मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए. और आज मैं प्रेजेंटेशन देने से पहले सबसे पहले अपने को एक बार आप लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है. मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इंदिरा गांधी स्टेडियम में आईजी स्टेडियम में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की असिस्टेंट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ. और जैसा कि सर ने बताया कि मैं बॉक्सिंग साइकिलिंग एंड जिमनास्टिक के साथ मैं काम कर रही हूँ अभी एट प्रेजेंट. तो मैं आज आप लोगों को न्यूट्रिशन फॉर साइक्लिस्ट क्या क्या गाइडलाइंस उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी होती हैं उसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगी. स्टार्ट करने से पहले मैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आप लोगों के साथ में अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए. इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो भी हमारा मेन न्यूट्रिशन का प्रेजेंटेशन है कि एक एथलीट्स के लिए एक साइक्लिस्ट के लिए किस तरीके का न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है और उससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इसके बारे में हम लोग मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज के प्रोग्राम में. तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी मैं कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है वो क्या है. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है प्लेयर्स के लिए या एक एथलीट के लिए, इसकी क्या वैल्यू है या इसको हम किस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी को कितना न्यूट्रिशन चाहिए. और इस साथ में हम जो भी गाइडलाइंस होती हैं न्यूट्रिशन के लिए एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट होती है या उनकी अलग न्यूट्रिशन नीड होती है. तो हमें हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. साथ में मैं आपको आज कुछ जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे बेसिक न्यूट्रिशंस उनके बारे में बताऊंगी. ये न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. इनके बारे में बताऊंगी इनके ये कौन कौन सी चीज़ों से आपको मिलते हैं और इनसे इनकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हम किन सोर्सेस के थ्रू अपना बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं. ये हम आपको न्यूट्रिएंट्स के थ्रू मतलब जो भी सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम आपको बताएंगे. देन लास्ट में मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जो भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद में हमें किस तरीके का खाना ज़रूरी है या कितना हमें पानी हमें पीना ज़रूरी है. ये सारी जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इंट्रोडक्शन कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या है. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बेसिकली एक वह न्यूट्रिशन है या उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं जो एक एथलीट की जो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस होती है उसको इन्हेंस करता है या उसको और इम्प्रूव करता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए. उसके लिए ये निर्धारित करते हैं कि उसको कितनी क्वांटिटी का और कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में खाना है और उसको जिस जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं या उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं. उस न्यूट्रिशन को हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट हम बताएंगे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसको किस तरीके उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको न्यूट्रिशन क्यों चाहिए. न्यूट्रिशन तो बेसिकली सबको चाहिए पर एक स्पोर्ट्स पर्सन को क्यों चाहिए. बेसिकली क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि काफ़ी उसको मेहनत करनी होती है या उसको अपनी बॉडी का जो बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम करनी होती है. तो उसके लिए हमें एक स्पेशल न्यूट्रिशन चाहिए होता है और वो हमें एक स्पोर्ट्स डाइट्स या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के थ्रू ही हम उसको अचीव कर सकते हैं. इसमें हम जो बेसिक हमारे लिए है कि हमें क्यों चाहिए तो वो इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम एक अच्छी डाइट लेते हैं एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं उससे हमारी जो बॉडी की एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज्ड होता है, अच्छा रहता है और हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. आपकी जो मसल्स होती हैं मसल की जो वीकनेस होती है मसल वीक नहीं होती हैं. यूजुअली क्या होता है कि स्पोर्ट्स में बहुत तरीके की इंजरीज वगैरह होती हैं या फिर हम जो जिस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमारी बॉडी के जो मसल्स होती हैं टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं.
तो उनकी रिपेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको रिपेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक अच्छा प्रोटीन रिच डाइट लें. साथ में अगर आपका बॉडी में न्यूट्रिशन लैक होता है तो उसकी वजह से आपको बहुत जल्दी इंजरीज हो जाती हैं. तो वो इंजरीज ना हो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा डाइट लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें. साथ में अगर आपको कभी चोट लगती भी है तो आपकी रिकवरी रेट जल्दी हो, मतलब आपकी आपको आप जल्दी ठीक हो, उसके लिए ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि आपको अपना जो न्यूट्रिशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. देन एक और है कि आपका स्टेमिना. मेनली होता है कि स्पोर्ट्स में हमारा स्टेमिना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपका स्टेमिना अच्छा नहीं होगा तो फिर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इट्स बेटर कि आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे से उसको रिच करें, न्यूट्रिएंट रिच करें, सो दैट कि आपका जो स्टेमिना है वो बढ़े, आपकी जो बॉडी की फैट परसेंटेज है वो मेंटेन रहती है जब आप एक अच्छी डाइट लेते हो या इस न्यूट्रिशियस डाइट लेते हो. देन आपका जो हेल्थ है ओवरऑल, अच्छी डाइट लेते तो आपका जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है, और साथ में आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो जाती है. न्यूट्रिशन है वो एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो ओवरऑल हेल्थ होती है उस पर डिपेंड करता है. मैं बताना चाहूंगी कि आपको न्यूट्रिशन जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वो कैसे मिलेगा, आपको कैसे चलेगा कि मुझे क्या मतलब कौन सा न्यूट्रिशन कितना है, किस अमाउंट में लेना है, कितनी है आपकी हाइट, कितनी है आपका वेट, कितना है आप, कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हो और उसमें आपकी कितनी ट्रेनिंग लोड है, आपकी जितना ट्रेनिंग लोड है उसके हिसाब से आपका न्यूट्रिशन डिफाइन करता है. देन आपका कॉम्पिटिशन, आप कौन से कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हो या किस कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस हिसाब से भी आपका जो न्यूट्रिशन आपको डिफाइन करेगा कि आपको कितना न्यूट्रिशन आपको लेना है. अब एक स्पोर्ट्स डाइट क्यों जरूरी है, हर एक एथलीट एक स्पोर्ट्स में कितने भी एथलीट हैं उन सबकी अलग अलग स्पेशल उसकी उसकी रिक्वायरमेंट को क्या, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स. हम इन विटामिन एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, इनके थ्रू हम उसको फुलफिल कर सकते हैं. सो दैट कि जो एथलीट है उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं. उसके लिए मैंने आपको सामने, हाँ जी सर, शिखा जी नेट का शायद प्रॉब्लम, बीच बीच में ना आवाज थोड़ा सा हो जा रही है. अच्छा, मे बी आपके घर में जो नेट वगैरह का है ना अप्लायंसेस, दूसरे जो मोबाइल वगैरह उनको जरा बंद करवा दीजिएगा अभी. अच्छा, नेट सो दैट यू आर गेटिंग ए गुड कनेक्शन, उसके कारण शायद आवाज थोड़ा सा बीच बीच में फेंट होने लग रहे हैं. चलिए एक बार ट्राई कीजिए, देखिए बाकी अप्लायंसेस का बंद कर दीजिएगा नेट, जरा समझा दें. ओके नाउ प्लीज स्टार्ट. सर अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है. तो यहाँ पे वीडियो बंद कर दो तो शायद उसके बैंड बराबर हो जाएगी. अभी देखो बराबर आ रहा है, अभी आ रही है सर, अभी ठीक है. नहीं वीडियो तो रखिए, आप रहेंगे ना क्या क्या होता है, पिक्चर सामने होता है तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है. ठीक है सर, राइट. यहाँ पे हम लोग ये अब हम मैं ये डिस्कस करने वाली थी कि अब आपको ये सारी न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे. इसके लिए मैंने ये फूड पिरामिड आपके सामने ये दिखाया है. इस फूड पिरामिड में आपके 6 फूड ग्रुप्स दिखाए हैं, जिसमें आपका फैट है, फैट का ग्रुप है जिसमें आपके सारे जो अच्छे गुड फैट होते हैं वो आप ले सकते हो, जैसे कौन कौन कर सकते हैं, है ना, या कौन से. नेक्स्ट हमारा फूड ग्रुप है वो है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जिसमें सारे आपके डेयरी प्रोडक्ट आ जाते हैं. ये ग्रुप भी चूज कर सकते हैं.
देन आपका एक आता है वेजिटेबल्स आ गया, तो आप अपनी डेली की फूड डाइट जो भी आप डेली ले रहे हो खाना उसमें आप एक इन ग्रुप्स में से एक एक चीजें चूज कर सकते हो. देन आपका नेक्स्ट है आपका ब्रेड एंड सीरियल्स, इसमें आपके सारे पल्सेस एंड ग्रेन्स आ जाते हैं, आपके जो भी अनाज दालें फलियां आप उस इस ग्रुप में से एक एक चीज अपने डेली रूटीन में आप ले सकते हैं. देन आपका एक ग्रुप है आपका फिफ्थ ग्रुप फ्रूट का ग्रुप. तो फ्रूट ग्रुप में आपका क्या रहता है कि आपको सारे तरीके के फ्रूट्स इसमें से आप रहते हैं और आप इसमें से कोई भी एक फ्रूट एक से दो फ्रूट्स एटलीस्ट पूरे दिन में कोशिश करिए कि आप कंज्यूम कर सकते हैं. देन आपका आता है मीट एंड पोल्ट्री फिश, यानी कि सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम है तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो इस ग्रुप में से कुछ भी एग चिकन, वेजिटेरियन है वो दालें खा के भी अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हैं. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक ही डाइट पे नहीं, मतलब एक ही फूड पे बेस नहीं होना है. हमें सारी चीजें खाने में जरूरी होती है, हमें हरी सब्जियां जरूरी है, हमें फल सब जरूरी है, हमें अनाज दाल हमें दूध ही वगैरह जरूरी है, हमें चिकनाई भी मतलब होनी चाहिए हमारी डाइट में. तो कहने का मतलब ये है कि आप तभी अपना बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसको आप परफेक्ट कर सकते हो जब आप अपने पूरे दिन की डाइट में इन सारे फूड ग्रुप्स हैं इसमें से आप कोई भी मतलब सारे ग्रुप में से पूरे दिन में कुछ कुछ एक एक आपने निकाल जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस हो सकता है पूरी बॉडी का. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे सर, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है. अब नेक्स्ट स्लाइड लीजिए. पर स्लाइड आगे नहीं जा रहा है मेरे ख्याल से. आप म्यूट हो गई है, यू आर म्यूट. अभी देखिए सर, ठीक है अभी. अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब हमें उस न्यूट्रिएंट्स का मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जैसे दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड वाटर, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एक फ्रंट रोल पे प्ले करते हैं. तो शिखा जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू. ठीक है, एक बार जरा जब स्लाइड करके फिर वीडियो जरा बंद करके ना जरा ट्राई कीजिए, बिकॉज इन बिटवीन साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो वो वैसे करके देख लेते हैं. लेट अस सी. ठीक, अभी देखिए सर. या ओके ओके, अभी ठीक है. या ओके, ठीक है. ठीक है, तो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में जो हमारे मेजर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एक सपोर्ट का काम करते हैं बेसिकली. तो अब हम इनके बारे में इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करूंगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या का क्या रोल होता है एथलीट के लिए. उनको स्क्रीन शेयरिंग उनकी बंद करा दो. आप स्क्रीन शेयर बंद कीजिए.
जी राइट यस जी नेक्स्ट कर दीजिए जी। इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक एथलीट के लिए क्यों इसकी क्या जरूरत होती है, क्योंकि मैं यह बताना चाहूंगी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी टोटल एनर्जी जो बॉडी की होती है उसमें एक मेन प्राइमरी फ्यूल का काम करते हैं। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो इसीलिए हमारी सबसे ज्यादा बेसिक डिमांड होती है कि हमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेनी होती है एक साइक्लिस्ट को। उसकी जो भी ये भी डिपेंड करता है कि वो जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो उसके आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कितनी एनर्जी आपकी एक्सपेंड होने वाली है उसके हिसाब से आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक डाइट में मेंटेन करना पड़ता है। साथ में आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रिप्लेनिश करता है, आपकी मसल्स को रिप्लेनिश करता है और आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में एक फ्यूल सिस्टम का काम करता है और जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तभी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जो डाइट चूज करनी है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट का को ध्यान रखते हुए हमें अपना डाइट इंटेक करना है। और जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी सब मैक्सिमल एक्सरसाइज करते हैं, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट एक मेजर फ्यूल का काम करता है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए पर डे। तो हमारे लिए जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है पर डे की, वो आपकी ये 6 से 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। 6 से 10 ग्राम का मतलब ये है, मैं इसमें एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि फॉर एग्जांपल कि जैसे एक एथलीट है और उसका वेट अगर 70 केजी का वो एथलीट है तो उसको जो टोटल कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो 420 ग्राम चाहिए। उसी तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि जब हमने एक्सरसाइज या हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के बाद हमें कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, उस फेज में हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से खाना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसका मतलब ये कि यानी कि अगर आप लेट्स से कि 50 केजी आपका वेट है तो आपको 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आफ्टर एक्सरसाइज या आफ्टर ट्रेनिंग विद इन 2 आवर्स के अंदर में आपको खाना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कि अब क्या हो सकता है कि जब आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक लो है डाइट में, लेट्स से कि आप अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लो डाइट लेंगे तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको उतना एनर्जी नहीं मिलेगा। साथ में क्या होगा, एक नुकसान और आपका होगा कि जो प्रोटीन आप ले रहे हो, जो प्रोटीन आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है, वो आपको फिर एनर्जी देने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका जो प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन का मेन काम है वो रिकवरी का है, टिश्यू मेंटेनेंस का है और आपको वो चीज़ भी आपकी इनकम्प्लीट हो जाएगी क्योंकि जो प्रोटीन है वो आपके जो आप कार्बोहाइड्रेट की जगह आपका वो एनर्जी देने का काम करता है, तो वहाँ पे भी आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो आपको बॉडी में कम हो जाता है। साथ में आपको थकान ज़्यादा महसूस होगी और आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी तो है ही, प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी साथ में होने लगेगी और आपको इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो खाना खाएं उसमें हमारा जो डाइट इंटेक है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए, और वो कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ आगे वाली इससे पहले वाली स्लाइड में, और आगे हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिनसे आप अच्छा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे मैंने एक आपको स्लाइड शो दी है, स्लाइड दिखाई है, इसमें मैंने आपको एक अच्छे हाई गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि जैसे कि एक चपाती अगर आप लेते हो तो उसमें आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, मतलब यहाँ पे जितने भी मैंने फूड सोर्सेज आपके सामने ये जो स्लाइड में रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, ऑरेंज है, स्मॉल है, राइस है या वाइट ब्राउन है, ये सारे ही अगर आप इतनी ही क्वांटिटी में लोगे तो आपको ओवरऑल 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इनसे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अब कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए या हमें लिमिटेड लेने चाहिए,
ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, बट आपको इन चीजों को बहुत रेगुलरली नहीं यूज करना है, रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना है. जैसे आपका शुगर हो गया, सोडा हो गया, कैंडीज हो गई, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, पेस्ट्री या केक हो गया, ये मोस्टली लोगों को पसंद होता है. बट इसको, क्योंकि आप एक एथलीट है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें ये चीजें लेनी है, बट आप ओकेजनली ले सकते हो, या आप इनको कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून के मंथ में एक बार या दो बार. मतलब इनिशियली मैं यही चाहूंगी कि ये करना चाहिए, बट इन चीजों को थोड़ा सा कम लेना चाहिए. फ्राइड पोटैटो चिप्स वगैरह हो गए, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कहीं ना कहीं इनका बॉडी में बैड इफेक्ट होता है, तो इसलिए इन चीजों को आपको थोड़ा सा कम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट आपका आता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एथलीट. अब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन जो है वो किस तरीके का, प्रोटीन का क्या रोल है हमारी बॉडी में. प्रोटीन, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि इसका जो मेजर रोल है वो हमारे टिश्यू को मेंटेनेंस करने का है. ये टिश्यू की ग्रोथ है या एसेंशियल है, कोई रिकवरी जरूरी है टिश्यू की, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. तो यानी कि इसका मेन काम जो होता है ये आपका पोस्ट ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग करके आते हो तो उस टाइम पे आपकी बहुत मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, आपकी उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन आपको इम्पोर्टेंट होता है. तो इसलिए प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन है वो आपका है टिश्यू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का एंड रिकवरी का. साथ में अब मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी बॉडी में ओवरऑल एनर्जी है उसका एटलीस्ट जो 10-15% है हमारा एनर्जी का, वो हमारा प्रोटीन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में होता है. तो हमें उस अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना होता है. अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए. अब जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन है, एक सेडेंटरी वर्कर है, उसके लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है 0.8-1 ग्राम पर kg बॉडी वेट. क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल पर्सन से एक एथलीट की, एक एंड्योरेंस एथलीट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है या प्रोटीन की जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो काफी अलग होती है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक एंड्योरेंस एथलीट्स को 1.5-2.0 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए. इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक एथलीट का वेट 50 kg है तो उसको कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन उसको लेना जरूरी है. नेक्स्ट प्लीज. देन आपका मैंने आपको बताया कि अब आप प्रोटीन किस किन किन सोर्सेस से आपको प्रोटीन मिल सकता है. तो यहाँ पे आपको मैंने ये वेजिटेरियन की पूरी एक लिस्ट दी है जिसमें आपके ये रागी है. अगर आप एक कप रागी लेते हैं तो आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. ब्लैक चना लेंगे आधा कप तो उसमें भी 12 से 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा. छोले हो गए, होल मूंग हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, ड्रम स्टिक हो गई, ग्रीन पीस हो गई, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब अगर आप जो भी मैंने पोर्शन साइज आपको यहाँ पे दिखाया है उसके हिसाब से अगर आप लेते हो तो 12 से 15 ग्राम प्रोटीन आपको इनसे मिलेगा. देन उसी सेम नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं वो लोग एग, जो अगर एग लेते हैं तो एग में अगर वो एक होल एग और दो एग वाइट लेंगे तो उनको उससे 12 से 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिलती है. अगर आप चिकन की क्वांटिटी 75 ग्राम के करीब लेंगे तभी भी आपका जो प्रोटीन वैल्यू है वो आपको 12 से 15 ग्राम मिलेगी. सेम एज इन मटन अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उससे भी आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन आपको उससे मिलता है. और फिश में भी 75 ग्राम अगर आप फिश लेंगे तो उससे भी आपकी जो प्रोटीन वैल्यू है वो 12 से 15 ग्राम आपको मिलती है. कहने का मतलब ये कि ये सारे सोर्सेज हैं और आप इससे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से मतलब आप खाने में कितना क्वांटिटी आप ले सकते हैं जिससे कि आप अपनी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. देन हमारा नेक्स्ट आता है कि फैट क्या होता है, कि फैट की क्या रिक्वायरमेंट है एथलीट के लिए. जैसे कि मैंने बताया कि फैट भी जैसे कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है या प्रोटीन का एक अलग इम्पॉर्टेंस है, उसी तरीके से फैट की भी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है. फैट का क्या, फैट जो है वो हमारी बॉडी में भी, वो भी हमारी बॉडी में एक एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है. मतलब हमारी बॉडी को एक एनर्जी देता है और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है. साथ में क्या कहते हैं, आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन आपके हैं विटामिन ए डी ई के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपका जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ये बहुत जरूरी होता है. और हमारी बॉडी को ये एक इंसुलेशन के लिए मेन रोल प्ले करता है. और जब भी हम कोई सब मैक्सिमल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे
फैट है या सब में मैक्सिमल एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारा जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है ये दोनों ही अपना एक एनर्जी के फॉर्म में एक फ्यूल की तरह हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. एंड जो फैट का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल एनर्जी. और जब यूजुअली हम लो इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करते हैं जैसे कि हम जॉगिंग करेंगे है ना या थोड़ी सी रनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो मेनली फैट है वो हमें बॉडी में एनर्जी की तरह हमारी बॉडी में एनर्जी की तरह फ्यूल का काम करता है. नेक्स्ट, अब आपको कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप फैट ले सकते हैं. इसमें आपका आता है एवोकाडो, एलमंड्स, पीनट बटर, कैश्यू नट, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल या पीनट ऑयल. ये सारे ही जो फूड आइटम्स हैं आपके, ये सारे आप फैट के अच्छे गुड सोर्सेज हैं. और अगर आप मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू भी पुट की कर रखी है तो अगर आप इतनी क्वांटिटी में खाते हैं तो आपको 5 ग्राम फैट पर सर्विंग जो क्वांटिटी मैंने प्रिस्क्राइब की हुई है यहाँ पे उससे आपको मिल सकता है. नेक्स्ट प्लीज, अब कौन कौन से फैट आपको नहीं लेने चाहिए या आपको लेने चाहिए बट वो लिमिटेड फॉर्म में लेने चाहिए. वो आपका हो गया घी, बटर, क्रीम. तो यूजुअली मैंने देखा है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं कि उनको मतलब घी पे ज्यादा फोकस करते हैं और बटर पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्रीम पे ज्यादा फोकस करते हैं. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए उनको क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके का सैचुरेटेड फैट होता है और हमारी बॉडी में जाके ये स्टोर हो जाते हैं जिसके बहुत सारे मतलब जिसका बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं. और मतलब साइड इफेक्ट क्या, वो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को वो फिर खराब करते हैं क्योंकि आपका बॉडी में फैट जब जमने लगेगा तो आप लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हो, आप उतने एक्टिव नहीं रहते हो. तो यूजुअली आपको घी और बटर, क्रीम, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा कम फोकस करना है और जो अच्छे गुड फैट हैं आपको उनको कंज्यूम करना है. जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल्स दिए हैं आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो सारे जो फैट के सोर्सेज हैं हमें उन सोर्सेज को ज़्यादा अपने रेगुलर रूटीन में कंज्यूम करना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज, देन आपको मैं बताना चाहूँगी आगे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो मिनरल्स और विटामिंस का एक मेजर ग्रुप है जो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी में जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं इनकी भी एक वैल्यू है. जैसे कि हमारे ग्रोथ एंड बॉडी की रिपेयरिंग जो करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक हमारी बॉडी का इम्यून फंक्शन जो होता है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है उसके लिए. नेक्स्ट प्लीज, अब मैंने यहाँ बताया है कि आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताना चाहूंगी. विटामिन्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं फैट सोलेबल विटामिन्स और एक होते हैं आपके वाटर सोलेबल विटामिन्स. तो फैट सोलेबल विटामिन्स होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के. इन सभी विटामिन्स का एक अपना मेजर रोल है जिसके बारे में बताती हूँ कि जो जैसे विटामिन ए है इसका क्या रोल है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ना. और हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनका काम करता है, यानी कि जो हमारे बाहरी तत्व हैं या रेडिकल्स होते हैं, कॉम्बैट फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक तरीके से. और हमारी जो डाइजेशन होती है उसको ये इम्प्रूव करता है. और हमें किस तरीके से विटामिन ए मिल सकता है? हम बटर है, एग है, फिश है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है या लाल मिर्च जो होती है वो आपका एप्रिकेट है, एप्रिकॉट है, मैंगो है, इन सब चीजों से आपको विटामिन ए मिल सकता है. नेक्स्ट हमारा विटामिन डी. जैसे कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस बारे में कि विटामिन डी का मेन क्या फंक्शन है. तो विटामिन डी जो मेनली हमारा एक तो इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी जो बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं ये उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है या फिर उनको सपोर्ट करता है कि वो मतलब और अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो जाएं. तो उसके लिए जो विटामिन डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ये हमें कैसे मिल सकता है? ये हमें फिश के ऑयल से मिल सकता है, बटर से मिल सकता है
और जो मेनली इसका जो मेजर सोर्स है वो हमारी सनलाइट है, तो विटामिन डी हम सनलाइट से भी ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई. विटामिन ई जो है वो मेनली एक जो हमारी एड्रीनल हार्मोन होते हैं उस एड्रीनल हार्मोन्स में एक एड्रीनल ग्लैंड होती है, उसमें कार्टिसोल हार्मोन होता है. ये उस हार्मोन को रिलीज करता है या उसको बढ़ाने का काम करता है विटामिन ए. बेसिकली मैं बताना चाहूंगी जो कार्टिसोल हार्मोन होता है इसके बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि ये हमारी बॉडी को जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ये उसको कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी में जो वाटर या फ्लूड का जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है ये उसको भी कंट्रोल करता है. तो कहीं ना कहीं जो विटामिन ई है वो भी हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन एक्टिव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और हमें ये जो है ये एवोकाडो नट्स एंड सीड से ये विटामिन ए मिल सकता है. नेक्स्ट आपका है विटामिन के. यूजुअली विटामिन के का जो मेजर रोल है वो है आपका कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है, जब भी हमें कोई चोट लगती है कोई इंजरी होती है तो आपने देखा होगा कि विद इन 15 या 20 मिनट्स के अंदर हमारा जो ब्लड है वो रुक जाता है, तो वो हमारा मेन जो है वो विटामिन के की वजह से होता है. तो इसीलिए बेसिकली विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको विटामिन के अगर नहीं है कि डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो आपको जो ब्लड सर्कुल मतलब ब्लड जो आपका भी ब्लीड करेगा वो उतनी जल्दी रुकता नहीं है. तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको विटामिन के जो है वो लेना जरूरी है डाइट में, और स्पेशली जो फीमेल एथलीट्स होती हैं उनके लिए विटामिन के बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फीमेल एथलीट्स में थोड़ा आयरन डेफिशिएंट होता है तो उसकी कमी पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए विटामिन के बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो नेक्स्ट इसमें जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सारे सोर्सेस के थ्रू आपको जो है विटामिन के मिल सकता है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हमने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया वो हमने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में किया और उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं और कहाँ कहाँ से वो मिल सकते हैं. उसी तरीके से हमारे ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं. ये विटामिन जो है ये विटामिन सी और विटामिन पूरा बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आ जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर. विटामिन सी का जो मेन काम है वो हमारा क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का. इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है अगर हम विटामिन सी रिच फूड्स लेते हैं डाइट में, है ना. और जैसा कि मैंने आपको पिछले डिस्कस किया कि जो हमारा एक एड्रीनल हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये इस हार्मोन को भी कहीं ना कहीं बनाने में या उसको रिलीज करने में बॉडी से ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हार्मोन जो है जैसा मैंने पीछे बताया भी आपको कि ये काफ़ी सारे हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें ये अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए विटामिन की हमारे बेरीज हैं, कीवी है, फ्रेश लाइम है, ऑरेंज है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्लैक पेपर्स है या पटेटो, है ना, इन सारी चीज़ों से हमें ये विटामिन सी मिलता है. और इनिशियली जैसे कि अभी COVID-19 चल रहा है तो उस ड्यूरेशन में भी हम लोग डाइट में सजेस्ट करते हैं कि आप लोग विटामिन सी रिच फ्रूट्स ज़्यादा लें, सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लें, सो दैट कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़े और मतलब उससे फिर आपकी जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से आप जो है वो देन. हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बहुत सारे हमारे विटामिन्स होते हैं, बट इसका जो मेन फंक्शन है मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, वो यही बताऊंगी कि ये जो है मेन हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनके बॉडी में प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी में आयरन वगैरह है ना, और जो हीमोग्लोबिन वगैरह है वो हमारा मेंटेन रहता है. तो मेनली इसमें जो न्यूट्रिएंट जो मेन करता है वो फोलेट एंड B12 है जो आपके विटामिन बी का एक मेजर पार्ट है और बढ़ाने का काम करता है. और ये हमें किस तरीके से मिल सकता है, ये होल वीट ब्रेड से मिल सकता है, होल ग्रेन से मिल सकता है, ब्राउन राइस से मिल सकता है, और आपके जो भी डेयरी प्रोडक्ट है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वहां से ये आपको मिल सकता है. नेक्स्ट प्लीज.
अब हम जैसे अभी विटामिन्स के बारे में बात की, अब हम मिनरल्स के बारे में बताते हैं कि मिनरल्स जो है वो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, क्यों लेना चाहिए। जैसे मिनरल्स आपके आते हैं, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक एंड पोटेशियम। तो ये सारे ही मिनरल्स हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम का जो मेन है वो हमारी बोन को हेल्दी रखता है ना। हमारी कैल्शियम जितना ज्यादा हम लेंगे उतना हमारी बोन स्ट्रॉन्ग हो। तो एक एथलीट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कितना कैल्शियम को भी प्रॉपर अमाउंट ले, है ना। तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिससे वो ले सकता है, वो आपके मिल्क है, योगर्ट है, चीज है, सीसम सीड्स है, सोया प्रोडक्ट है, टोफू है, इन सारे फूड सोर्सेज से वो कैल्शियम की अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका आयरन। आयरन जो है बेसिकली क्यों जरूरी होता है, एक तो आपकी बॉडी से जो एनर्जी होती है उसको भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में जैसा कि इसका मेजर फंक्शन है कि वो हमारी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए हमारे लिए आयरन भी जरूरी है। और ये हमें कहाँ से मिल सकता है, ये रेड मीट से मिल सकता है, एग से मिल सकता है, हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक हो गया, मेथी बथुआ हो गया, है ना, और लोबिया हो गया आपका, एप्रिकॉट है, या आपकी फिग्स होती है उनसे मिल सकता है। देन आपका आता है सोडियम। सोडियम जो है उसका क्या रोल है, सोडियम जो है मेनली आपकी बॉडी में जो एक फ्लूड लेवल होता है, यानी कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल जिसको बोलते हैं, जो हमें एनर्जी देता है। और एट प्रेजेंट जब हमें एनर्जी चाहिए होती है उस टाइम पे हमारा सोडियम जो है मेन मेजर उसका फंक्शन होता है। साथ में ये हमारी मसल्स को भी सपोर्ट करता है। अब सोडियम हमें कैसे मिल सकता है, ये हमें सॉल्टी एंड सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड से मिल सकता है मेनली। मैग्नीशियम का क्या रोल है, मैग्नीशियम जो है वो हमारी कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। जैसा मैंने बताया कि पीछे भी कई न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनमें कॉर्टिसोल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे हार्मोन को रिलीज करता है। देन ये हमारी मसल्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है मैग्नीशियम, उसके लिए भी जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें कहाँ से मिलेगा, जैसे हमारी ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गई, नट्स हो गई, बीन्स हो गई, लेंटिल्स हो गई, इनके द्वारा हमें ये मैग्नीशियम मिलते हैं। देन हमारा जिंक है, जिंक कैसे सपोर्ट करता है, जिंक भी हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, है ना। हमारी बॉडी में ग्रोथ है जो भी मसल्स की, जो टिश्यूज उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। देन हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये इन सारी चीजों से हमें ये पोटेशियम जो है आपका एक फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है, स्पेशली जब हम ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम पे, एंड हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, और हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और ये किस चीजों में मिलता है कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और स्पेशली जो बनाए पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट प्लीज जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेनिंग हम करते हैं, ट्रेनिंग से पहले कैसा खाना हमें लेना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए। जैसा बॉडी में एक मेजर फ्यूल का काम करते हैं, मतलब मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का है जो हमें एनर्जी देता है। तो सबसे पहले हमें ये चूज करना है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज होने चाहिए, सो डैट कि जब हम ट्रेनिंग पे जाएं तो हमारी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर एक डाइट लो जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा हो, और आप ऐसे फूड चूज करिए जिससे कि आपका स्टमक अपसेट ना हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप जो भी आप मील या स्नैक्स जो भी लेते हैं वो आपको ट्रेनिंग करने के 2 घंटे पहले आपको लेना होता है, या विद इन 2 आवर्स में आपको स्नैक्स खाना है, सो दैट कि वो थोड़ा सा बॉडी में जाके स्टेबल हो जाए, और आपको फिर वो उसका जो प्रोसेस शुरू होता है एनर्जी देने का, वो फिर अपना वो आपको कर सकते हैं उस टाइम पे। देन आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने से पहले आपको बहुत फैट कंटेनिंग फूड नहीं लेने हैं, जैसे कि आपने बहुत फ्राइड चीजें हैं, जैसे कि डीप फ्राई जो बनते हैं, पूड़ी वगैरह है, इस तरह के हैवी आइटम होते हैं, ये ट्रेनिंग करने के पहले आपको नहीं लेने हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपका स्टमक अपसेट होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग में मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा वो चीज़। देन आपको पानी का इंटेक रखना है, अच्छा अच्छा पानी, फ्लूड इंटेक
आपको बढ़ा के रखना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में जब हम हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे. देन आप कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं ट्रेनिंग करने के पहले, इसमें मैंने ये कुछ चीजें आपको एग्जाम्पल दी है, जैसे कि पास्ता हो गया, ब्रेड हो गया, पॉरेज हो गया, पोहा हो गया, एनर्जी बार हो गया, बनाना हो गया, पीनट बटर हो गया या चिया सीड्स. ये सारे ही चीजें आप ट्रेनिंग करने के पहले ले सकते हैं विद इन लाइक 2 आवर्स आपको ये कंज्यूम कर. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट हमारा रहता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग. तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ट्रेनिंग जब आपकी चल रही है तो उसके हर 15 से 20 मिनट में आपको पानी पीना है. पानी कितना पीना है वो मैं आगे आपको हाइड्रेशन की स्ट्रेटेजी जब डिस्कस करेंगे तब मैं उसमें बताऊंगी. ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप अगर आपको थोड़ा सा लो फील होता है तो आप उसमें चॉकलेट एनर्जी बार ले सकते हो या आप बनाना वगैरह ले सकते हो, है ना. साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आते हैं वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, है ना. और कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती हैं तो वो भी आप ले सकते हो. स्पोर्ट्स ड्रिंक को लेने के क्या फायदे होते हैं, उसके जो फायदे मेन ये कि एक तो आपको बॉडी को इमीडिएट एनर्जी सप्लाई करता है, दूसरा आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी बड़ा, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको ये इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट से के सोर्स द्वारा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, है ना. तीसरा आपका जो बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करता है यानी कि उसको मेंटेन करता है आपका, और बॉडी जो है आपकी उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देता. तो ये सारे बेनिफिट होते हैं जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है वो आप ट्रेनिंग ड्यूरेशन में ले सकते हैं. बट आपको ये कब लेनी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट प्लीज. हम बात करते हैं कि पोस्ट ट्रेनिंग की क्या डाइट्स होनी चाहिए, किस तरीके का आप पोस्ट ट्रेनिंग मील ले सकते हैं. तो पोस्ट ट्रेनिंग मील में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप ये देखिए कि अब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको अब जो आपका जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी जो मसल्स ब्रेक डाउन हुई है अब आपको उसका मेन रिकवरी देखनी है. तो आपको रिकवरी के लिए हमें डाइट का में क्या क्या चीजें देखनी है, हमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मिक्स कॉम्बिनेशन डाइट लेना है, ठीक है. तो वो इस तरीके का चीज होनी चाहिए जिसमें सब चीजें मिक्स हो, है ना, दालें भी हो, प्रोटीन मतलब नॉन वेज आइटम भी हो, है ना. अगर जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ पनीर वगैरह या टोफू है या चीज सोयाबीन है ना, तो कॉम्बिनेशन इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन. दौरान आप कोई ऐसा स्ट्रेंथिंग जूस ले सकते हैं जैसे आप जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड पोटेशियम रिच हो. जैसे मैं आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यूजुअली मौसमी या अनार का जूस ले सकते हैं, है ना, या कोकोनट वाटर ले सकते हैं आप. और जो आपका टोटल जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको जैसे मैंने बताया कि 50 to 100 ग्राम आपको कंज्यूम करना है पोस्ट ट्रेनिंग विद इन 2 आवर्स, तो उस हिसाब से आपको खाना पड़ेगा. एंड देन आपका जो वाटर है जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि जैसे न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको अच्छी मतलब अच्छी प्लेंटी फॉर्म में आपको लेना चाहिए डाइट. अब जो पोस्ट ट्रेनिंग डाइट से उसमें आप क्या क्या चीजें ले सकते हो, उसमें आप स्वीट पोटैटोज ले सकते हो, राइस ले सकते हो, किनोआ ले सकते हो, ओट मील ले सकते हो, पास्ता ले सकते हो, और साथ में ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स हैं ये भी आप ले सकते हैं. प्रोटीन्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, प्रोटीन्स में एग ले सकते हैं, कॉटेज चीज ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं. जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग पनीर, टोफू और आपका सोयाबीन ये सारी चीजें खा सकते हैं. तो पोस्ट ट्रेनिंग आपका मतलब ये इस तरीके से आप फूड आइटम अपने चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रेशन स्ट्रेटेजीज. हाइड्रेशन मैं आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्री ट्रेनिंग कितना पानी पीना है. तो जैसे कि आपका जब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 1 to 2 घंटे पहले आपको प्रायर 500 ml जो है या 5 लीटर आपका जो भी वाटर होता है आप उतना कंज्यूम करिए. एंड देन उसके बाद अगर आप कुछ और लिक्विड भी ले रहे हैं जैसे कि कोई जूस ले रहे हैं
है ना, या फिर आप कोई कोकोनट वाटर वगैरह ले रहे हैं तो वो बिफोर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 10 से 15 मिनट पहले आप वो भी ले सकते हैं. देन एक एथलीट को इम्पोर्टेंट है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान में आपको ठंडा पानी पीना, मतलब ठंडा पानी पीना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जो कोल्ड वाटर होता है वो आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके जो बॉडी की टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन करता है. तो वो आपका जो नॉर्मल वाटर होता है, जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा उस टाइम पे, तो इसलिए आप ठंडा पानी को पी सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें क्या, किस तरीके के, किस तरह से वाटर लेना चाहिए. ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें ध्यान रखना है कि हमें जो पानी का इंटेक है वो 150 ml टू 250 ml तक जो है हर 10 से 15 मिनट के अंदर आपको लेना चाहिए. और क्या कहते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड है अगर वो 90 मिनट से ज़्यादा का है तभी आपको उसमें स्पोर्ट्स ड्रिंक लेनी है. अदरवाइज आपको, आप नॉर्मल जो भी घर में जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज हैं आपके, लेमोनेड वगैरह बनाते हैं, नींबू पानी जो नमक की शिकंजी होती है वो भी पी सकते हो आप, है ना. और आपका जो कोकोनट वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी अच्छा एक एनर्जी का, एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. बट आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक तभी लेनी है जब आपका जो ट्रेनिंग लोड है वो, अगर आपका 90 मिनट से ज़्यादा की ट्रेनिंग हो रही है तभी आपको उसमें स्पोर्ट्स ड्रिंक लेनी है. और जो पानी आप लेंगे उसको आपको निगलना नहीं है, पानी को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके उसको सिप करके पीना है. आफ्टर ट्रेनिंग का जो रहता है शेड्यूल, उसमें क्या देखना है अब आपको कि आपकी, अभी तो आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है आपकी, और अब आपको ट्रेनिंग के बाद ये देखना है कि आपने कितना वेट लॉस किया है. लेट्स से कि अगर आपने 500 ग्राम वेट कम किया है तो आप आधा लीटर पानी पियेंगे, तो जिस हिसाब से आपका वेट कम होगा उस हिसाब से आपको अपना पानी का इंटेक पूरा करना है. देन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आप पानी पियेंगे वो विदिन टू अंदर ही आपको अपना वाटर को, फ्लूइड बैलेंस को आपको मेंटेन करके रखना. दूसरी चीज ये है कि एथलीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना यूरिन कलर को कंटिन्यू, मतलब चेक करते रहें कि उसका यूरिन किस तरीके का है. अगर डार्क कलर है यूरिन का तो उनको ज्यादा पानी पीना है, और उसको उस, मतलब वो फिर चेक करते रहें कि अगर वो लेमोनेट कलर का है, मतलब हल्के नींबू वाले जो लेमोनेट कलर होता है, अगर उस कलर का है तब तक आपको पीते रहना है ताकि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो आपका मेंटेन हो जाए. अब आप उसको यूरिन चार्ट आपको दिखाया है. नेक्स्ट प्लीज. यूरिन चार्ट है ये, इसमें आप देख सकते हो कि आपका टोटल कितना, मतलब आपका जो आपसे मैच कर रहा है उसमें आपके दिया हुआ है कि अगर आपका 2 नंबर है तो आप गुड हाइड्रेटेड हो, 3 नंबर है तो आप डिहाइड्रेटेड हो, 4 नंबर है तो आपको मे बी आपको मतलब ये क्रैम्प्स वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसमें आपको थोड़ा हेडेक वगैरह हो सकता है. तो यानी कि आपका जो 4 नंबर से जो भी नीचे तक जो भी है आपका, वो आपका सारा डिहाइड्रेटेड उसको दिखा रहा है लेवल को. तो आपको इसी हिसाब से अपने पानी को बढ़ाते रहना है, सो देट कि जब तक वो आपके जो पिछले 3 नंबर हैं उसके हिसाब से आपका लेमोनेट कलर ना हो जाए यूरिन का. तो बेसिकली आप इस तरीके से भी अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो कितना आपका है, और उसमें और आपको भी कितना और इम्प्रूव करना है. नेक्स्ट प्लीज. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक एथलीट को मालूम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, है ना. आपको कभी भी अब जो अपनी आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं उस पर कभी भी नहीं जाना चाहिए. हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि आप एक प्लेयर हो, तो आपको प्लेयर, आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट चाहिए, तो आपको उस हिसाब से खाना है. जैसे कि कई मतलब चिकन ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़्यादा चिकन की ओर फोकस करते हैं, या कई लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें वो पसंद करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ें खाएं. तो वैसा नहीं करना है. आपको ये देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे जो 6 फूड ग्रुप्स हैं आपके, वो सारे कॉम्बिनेशन आपको हमेशा मतलब डाइट में कम्बाइन करने हैं.
तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है. तो हमेशा अपने टंग टेस्ट पे नहीं रखना है, टंग टेस्ट के हिसाब से ही आप खाएंगे तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. और टाइम टू टाइम हर एक प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपना वेट जो है उसको वो चेक करते रहे कि वेट कितना है. वेट को मेंटेन करने के लिए भी आपको अपना वेट चेकिंग रखनी चाहिए. साथ में अगर कोई आपके रिलायबल सोर्सेज हैं जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है उसके हिसाब से आप न्यूट्रिशन कितना अमाउंट में मिलता है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको वो सब ध्यान रखना है कि आपको जितनी नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है उतना आपको गेन करना चाहिए. देन मैं एक चीज और बोलूंगी कि सप्लीमेंट्स पे बहुत लोग फोकस करते हैं कि सप्लीमेंट्स जो होता है ये सप्लीमेंट जो होता है वो मेन आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. काफी लोग डाइट से ज्यादा इम्पोर्टेंटली सप्लीमेंट्स को ध्यान देते हैं तो वो चीज नहीं करनी है ना. क्योंकि सप्लीमेंट्स कोई मैजिक पिल्स नहीं है. जो आपका न्यूट्रिशन है वो बेसिकली आपका खाना ही है. और अगर आपका डाइट अच्छा होगा या आपका मील जो भी आप ले रहे हैं वो अच्छा होगा तो आपको सप्लीमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सप्लीमेंट्स इट्स जस्ट अ बेसिक सपोर्ट जो हम तब देते हैं जब किसी एथलीट में किसी भी तरीके की कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसको डेफिशिएंसी को इमीडिएट पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. अदरवाइज सप्लीमेंट्स को मतलब ये एक सब साइड रख सकते हैं और इसको हम तभी लेंगे जब हमारी जरूरत है या हम किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हम कहीं जा रहे हैं या हमारी कोई भी कंपटीशन आने वाला है तो अगर हम उसकी प्रिपरेशन करनी है और हमारी कुछ चीजें हैं ऐसी कि जो हमें लगता है कि हम इमीडिएटली डाइट से नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो वो हम सप्लीमेंट से पूरी करते हैं. तो इन सब चीजों के हिसाब से हमें सप्लीमेंट्स को तभी हमें मेनली लेना होता है. देन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपका ईटिंग टाइम है वो कभी लेट नहीं होना चाहिए. क्योंकि ज्यादा अगर लेट खाना खाते हैं लेट नाइट डिनर करने से भी आपका जो डाइजेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए. जितना आप जल्दी खाएंगे उतनी जल्दी आपका खाना डाइजेस्ट होगा एंड देन फिर वो आपको बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है जाके. देन एक लास्ट चीज है कि रेड मीट. बहुत से लोगों को पसंद होता है कि वो रेड मीट पे ज्यादा फोकस करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रेड मीट जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है मतलब जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. तो इसलिए इसको मेनली रात में तो अवॉइड ही करना चाहिए. बट हाँ दिन में कभी कभी यानी कि हफ्ते में एक या दो बार लेना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा सा फैटनिंग भी होता है और आपको थोड़ा मसल गेन करा सकता है. तो इसलिए रेड मीट का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आप जो लाइटर प्रोटीन जो है आपके जैसे कि फिश है और चिकन है ये आपको ज्यादा लेना है कंपैरेटिवली टू रेड मीट. नेक्स्ट कंक्लूजन में लास्ट में मैं ये डिस्कस करूंगी कि जैसे कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो तभी पूरी होगी जब आप एक अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे है ना. ट्रेनिंग तो अच्छी है ही ट्रेनिंग भी आप कर रहे हैं लेकिन साथ में आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक बैलेंस डाइट आपको जरूर लेनी है. आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में आप क्या क्या चीजें क्या खाना खा रहे हो और क्या कितना आपने पानी पी रहे हो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है. और मैं यही लास्ट में बोलूंगी कि जैसा मैंने बताया कि टेस्ट बड्स होती हैं तो हम लोग अपनी टेस्ट बड्स के हिसाब से खाना खाते हैं तो ये चीज नहीं करनी है क्योंकि एक सिंगल फूड से आपकी सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है. तो हम इसलिए हमें खाने में जरूरी है कि हम वैरायटी लें वैरायटी ऑफ फूड लें. सारे जो ग्रुप्स मैंने आपको पीछे डिस्कस किए कि जो भी सिक्स फूड ग्रुप्स हैं हमारे उस सबके हिसाब से आपको अपना कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट डेली का मेंटेन करना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. थैंक यू. मैंने जस्ट शेयर हटाओ तो जनमैन आपने देखा मिशिका ने बहुत अच्छे से डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन के विषय में अपने नॉलेज शेयर किए. बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं कई दिनों से क्वेश्चन भी आ रहा था हमारा जिनका वेट कम है आई थिंक दे मस्ट बी हियरिंग वेरी वेल. उन्होंने अच्छे से इस इनके डाइट का जो प्रोग्राम बताया इन्होंने उससे उनको फायदा मिलेगा
एक चीज मैं थोड़ा ऐड करूंगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया, हालांकि मैं हमारे प्रैक्टिकल जो जो नेशनल कैंप के दौरान कुछ अनुभव है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी हैं वे चूजी होते हैं डाइट के संबंध में, खाने के विषय में काफी चूजी है। देयर आर वैरायटी ऑफ फूड्स व्हिच दे लाइक, जो उनके पसंद का होता है, और जैसे नॉन वेजिटेरियंस चिकन या मटन उसके ऊपर, सो दे बीन फॉरगेटिंग। मैंने एक कई बार ऑब्जर्व किया, जब 50 बच्चों का मैंने एक सर्वे टाइप किया तो आई फाउंड दैट नॉट मोर देन 10-15% जो कि जो खिलाड़ी थे वे ग्रीन वेजिटेबल खा रहे थे, मतलब कि ओनली 10-15%। तो आई हैव टू इम्प्लीमेंट ए रूल दैट एवरीबॉडी हैज टू टेक ग्रीन वेजिटेबल्स। आपने देखा कि कई जो सोर्सेस हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं, वे सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में अवेलेबल हैं, हमारे हरी सब्जियों में अवेलेबल हैं, जो कि नॉर्मल चिकन एंड अंडे में नॉमिनल बहुत कम मात्रा में है या नहीं भी है। तो हमारे खिलाड़ी जो है सो चिकन के तो चार टांग उठा के रख लेते थे या इतना सारा थाली भर लेते हैं, लेकिन वे सब्जियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, दाल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपके दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसमें उनको देन आई हैड टू मेक देम अंडरस्टैंड, जैसे ये क्लास आपने बताया, इस तरह से हमें भी खिलाड़ियों को समझाना पड़ा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ा कि आपको सब्जियां खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। दूसरा मैंने एक और चीज पाया कि कुछ जो खिलाड़ी थे स्पेशली अबाउट मिल्क, जी मिल्क इज वन ऑफ द कंप्लीट डाइट वी कैन से, मैक्सिमम मिनरल्स उसमें अवेलेबल होते हैं। बट एक बार मैं हमारे नेशनल कैंप के दौरान में मैंने एक बार सर्वे किया और मैंने बच्चों को हाथ खड़ा करने के लिए कहा, जहाँ 50 बच्चे बैठे हुए थे, वी हैड जस्ट वी आर चैटिंग अबाउट द डाइट इटसेल्फ, मैंने उनसे एक ग्लास दूध, तीन ग्लास दूध कितने बच्चे पीते हैं मैंने हाथ खड़ा करने को बोला, none of them raised that. Then I asked two glasses of milk, about 5-6, not even 10%, हाथ खड़े किए, then one glass almost maximum ने एक glass दूध, यानी कि 250 ml दूध लेने का उन्होंने इच्छा जाहिर की, मतलब maximum खिलाड़ियों ने, कुछ ने हाथ नहीं खड़े। Then I had to make them understand how the milk is important, how it is a complete diet for them. क्योंकि जब बच्चा एक पैदा होता है, ही इज वेरी स्मॉल, छोटा सा बच्चा होता है, अब 2.5-3 kg का, अगर 6 महीने तक वो कोई डाइट नहीं लेता एक्सेप्ट मदर्स मिल्क और नॉर्मल मिल्क, दूध के अलावा उसकी कोई डाइट नहीं होती एक्स्ट्रा, ओनली दूध पीकर वो बच्चे की ग्रोथ जो है सो 6 महीने बाद के बच्चे को देखो तो ही लिप्स एंड बाउंस, वो चलने लगता है, वो खड़ा होकर दौड़ने की कोशिश करता है, 8 महीने के 10 महीने का बच्चा, तो बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर ए मिल्क। तो इस तरह से मैंने खिलाड़ियों को ये बताया कि यू हैव टू हैव एटलीस्ट 750 ml ऑफ मिल्क डेली मिनिमम व्हेन ए पर्सन इज गोइंग अप टू नेशनल लेवल की तैयारी अगर कर रहा है। अगर उसको 3000 कैलोरी की जरूरत है दिन में तो उसको कम से कम 1 लीटर दूध तो पीना ही चाहिए। दूसरा, कुछ खिलाड़ियों में एक और कमियां मैंने पाई कि वी हैड ए चेक ऑफ 30 odd players जिसमें लड़के लड़कियां इक्वली थे, विटामिन डी की कमी, आउट ऑफ 30 देयर वर ओनली 2% विथ विटामिन डी, आई मीन नॉर्मल विटामिन डी, अदरवाइज 28 हैड ए विटामिन डी डिफिशियंसी। तो आजकल जो ट्रेंड है हम लोगों का, खिलाड़ियों का, सब लोग एसी में रहते हैं, निकले तो भी कार में जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बाहर धूप में एक्सपोजर नहीं है, और दूसरे विटामिन डी रिच खाना भी बहुत कम लोग खा रहे हैं, तो इस कारण से विटामिन डी की कमी ऑलमोस्ट आज के डेट में अगर देखा 90% इंडियंस आर, और पार्टिकुलरली लड़कियां ज्यादा, कि उनमें भी विटामिन डी की, क्योंकि कोई भी लड़कियों का एक और आदत धूप में नहीं जाती काला होने की वजह से, तो वो भी एक फैक्टर है, धूप में कोई बैठेगा नहीं,
तो आपके धूप में, अच्छा दूसरा कि योर होल बॉडी, आप कपड़े वगैरह, आप भी आजकल धूप में जाते भी हैं तो पूरा बॉडी को कवर करके जाए, तो धूप सूरज की किरणें तो ऐसे तो नहीं समा सकती शरीर के अंदर। यू हैव टू एक्सपोज सम ऑफ योर हाथ पैर, अगर खुला रहेगा तभी तो धूप उस पर पड़ेगा, या तो फिर आप अपने बालकनी में, छत पे कहीं जाके आप सूरज की धूप लीजिए, कम से कम अपने चेहरे को बेशक ढक लो, लेकिन धूप ले, जो खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विटामिन डी की कमी की वजह से आपका जो जो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन है बॉडी में, शिखा जी विल एग्री विद मी दैट इट विल नॉट ऑब्जर्व द कैल्शियम, एंड उसके बाद में उनके जो मसल्स पेन एंड बोन पेन शुरू हो जाते हैं कई बच्चों के, विच दे डोंट नो। वो लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग ज्यादा करने से हो रहा है, जबकि ये कमी विटामिन डी के, एक बहुत ही सिंपल चीज है कि आप सुबह में या कोई भी टाइम 10-11 बजे के आसपास ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में यू मस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू सनशाइन, विटामिन डी का लेना आवश्यक है। तो ये कुछ चीजें हैं डाइट के, साधारण चीजें कि खाने में बैलेंस डाइट, आपने जोर दिया एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, तो आप अपने बैलेंस डाइट पर जोर दिए। जो वेजिटेरियंस है वे लोगों को अक्सर देखा गया है दे आर जस्ट ज्यादा घी घी बटर के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट देर आर सर्टेन आइटम्स, फूड आइटम्स ऑल्सो विच कैन बी टेकन, जिसमें भी गुड बटर, ये गुड फैट है, और उन पर आप जोर दें, उस पर ध्यान दें, उसको इंटेक करें, देन यू आर मच बेटर, यू कैन परफॉर्म मच बेटर देन दिस, जो जो कि केवल घी पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो इस तरीके से आज आज के जो क्लास था, मैं ख्याल से बहुत ही बैलेंस आपने समझाया। वी विल जस्ट हैव 10 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर, लेट अस सी मिस्टर बिना, जस्ट चेक अगर किसी ने, इफ समबडी वांट टू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज। शिखा जी, जो डाइट से संबंधित क्वेश्चन होंगी शिखा जी लेंगी, अगर कुछ दूसरे तरह के कोई क्वेश्चन अगर रेज करता है वी विल टेक केयर ऑफ दैट। हेलो सर, हेलो सर, यस यू सर, आई एम युग फ्रॉम बिहार, आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट शुड बी द आइडियल वेट फॉर द साइक्लिस्ट, लाइक माय एज इज 16 इयर्स। सी शिखा जी, मैं थोड़ा सा जी, बिकॉज जो खिला देखो, सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका इवेंट क्या है, आप कौन से इवेंट की तैयारी कर रहे हो, तो बिकॉज वेट बैलेंस इज प्रोपोर्शनली स्लाइटली हायर फॉर स्प्रिंटर्स, बट फॉर रोड राइडर्स और टाइम ट्रायलिस्ट इन रोड इट्स लाइटर, जितना आप कम रहेगा, जितना जितना भी नहीं कहूंगा, एक बैलेंस अगर 16 साल के है, और हाइट क्या है आपकी? 5'7" सो 5'7" यू आर मिड लेवल है, तो इसको हम ये सकते हैं कि 55 to 60 kg इज ओके, जो आपके जो वेट है फॉर रोड इवेंट, फॉर ट्रैक इवेंट एज मच यू कैन गेन द मसल मास इज गुड, फैट नहीं होना चाहिए, आपके मस्कुलरिटी बढ़े तो ज्यादा बेहतर, अगर ट्रैक इवेंट्स के लिए तैयारी करें, बट रोड इवेंट्स इज आइडियल इज 55 इज आइडियल। आई थिंक मैक्सवेल विद एग्री विद मी, मैक्सवेल जी थैंक यू, thank you sir, no. Next one is Ms. Jagriti. Jagriti, unmute कीजिए अपने आप को and speak now. Jagriti, are you hearing? Hello. Yes, Jagriti, please speak. हाँ, मैं आसाम से बोल रही हूँ. Okay. Jagriti. Yes, speak, बोलिए। Yes, हम लोग का यहाँ पे जो ट्रेनिंग में मतलब वेट फैक्टर करता है क्या साइकिलिंग में? जरूर, वेट क्यों नहीं फैक्टर करता है? करता है ना वेट फैक्टर? यस यस। आपका मैक्सिमम वेट कितना तक रहना चाहिए हम लोग? ओके, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी पहले तो हाइट के अनुसार वेट का एक प्रोपोर्शन बना होता है, अगर आपकी हाइट कितनी होगी, कितनी है आपकी हाइट कितनी है? 5'5" और 5'5"
5'7" गुड, इट्स गुड गुड हाइट। देखिए वेट, जैसे कि अभी मैंने युग को बताया कि वेट इवेंट के अनुसार होता है, बट एक आप आजकल एक मशीन भी आती है जिसमें आपके बॉडी फैट परसेंटेज बता सकता है, बता सकती है, और उसमें आपको फैट कम होना चाहिए, आपके बॉडी में फैट कम होके मस्कुलरिटी अगर है, मसल मास अगर है, देन दैट इज मच बेटर। बट फैट देखो, ज्यादा जितना ज्यादा वेट होगा साइकिल को उतना ही खींचने में तकलीफ होती है, आप मानती हो ना। हम लाइट वेट की साइकिल क्यों खरीदते हैं? हम इसलिए खरीदते हैं कि हम उसको अच्छे से तेज चला सकें। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी ऑप्टिमम वेट होना चाहिए। अगर ओवर वेट होगा तो हम उतने केजी हम एक्स्ट्रा हम बॉडी से ढोते हैं और हमारा स्ट्रेंथ उसी अनुरूप खर्च होता है। बट अगर आप आपके बॉडी मस्कुलर है एंड ऑप्टिमम वेट है लाइक 50 kg एंड 50 to 55 kg, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू टू डू द लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट। बाकी अगर कुछ ऐड करना चाहे तो शिखा जी प्लीज ऐड। तो जागृति, आपकी हाइट 5'7" है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो आइडल वेट होता है वो 57 kg होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप रोड साइकिलिंग करते हैं तो जैसा कि सर ने बताया कि लाइट वेट होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको अपना वेट भी स्टेबल रखना है। तब लाइक अगर आप 57 kg वेट पे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मतलब यही कि 60 kg अबव तक आप, मतलब 60 तक अपना वेट जो है आप अचीव कर सकते हो, तो उस हिसाब से लेना है। लेकिन वेट गेन करना है, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं कि अगर आप 60 kg अचीव करके आप ट्रैक रनर बनना चाहते हैं, तो उस केस में इम्पोर्टेंट है कि आपको जो वेट अपना बढ़ाना है वो आपको मसल मास गेन करना है, जैसे कि सर ने बताया आपको, है ना। तो वो फैट से नहीं बढ़ेगा, अगर आप फैट से अपना वेट बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो आपकी बॉडी में जो चर्बी जिसे बोलते हैं कि वो बढ़ेगी, लेकिन आप उतना अच्छा फिर आउटपुट नहीं दे पाओगे। मतलब तो वो जैसा कि सर ने बताया कि बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, तो वो चीज होती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आपका जो वेट है, अगर 5'7" हाइट काफी अच्छी है और आप अच्छा कर सकते हो अपनी वेट को 57 kg पे मेंटेन कर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन सिद्धांत पीडीआर। गुड मॉर्निंग, इसमें मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा एक ये बता दें थोड़ा कि फैट परसेंटेज कितना हो बॉयज में और गर्ल्स में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा मेंटेन करना। वेट का ये कई बार अब नेचुरल डिस्पोजिशन है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले मस्कुलर ज्यादा है, अब उनका नेचुरली वेट थोड़ा ज्यादा होगा, तो बेटर दे मेंटेन देयर फैट परसेंटेज, वो कितना होना चाहिए। तो आई थिंक अगर मैडम वो थोड़ा बता दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। जी, 20-25% के बीच में आप मेंटेन करिए अपनी बॉडी फैट को, और उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिद्धांत। यस हां सर, मेरा क्वेश्चन था कि अभी जो कल का सेशन हुआ स्ट्रेचिंग के बारे में, तो उसका लिंक बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मुझे समझ में नहीं आया था सर, तो यूट्यूब का उसका चैनल और लिंक क्या है सर? विनय, हैव यू पोस्टेड इट ऑन यूट्यूब? आप शाम को चेक कर लीजिएगा यूट्यूब, आपको मिल जाएगा। ओके ओके। और सर रेस्ट, मतलब रेस्ट डेज में हम वीक डेज के डाइट फॉलो कर सकते हैं या फिर थोड़ा लाइट और हेवी? मैडम रेस्ट डे में पूछ रही, रेस्ट डे में वीक डेज का डाइट फॉलो कर सकते हैं क्या? जो वीक डेज का आपका डाइट है वो आप ट्रेनिंग के हिसाब से खाते हो, है ना। तो आपको उस हिसाब से नहीं खाना है, क्योंकि रेस्ट आपका पूरे दिन हो रहा है, तो आपको उस दिन जो आपका नॉर्मल डाइट होता है, जो एक नॉर्मल पर्सन की, एक सेडेंटरी वर्कर कीजिए, या जैसे आपके अपने फैमिली मेंबर्स में आप देखते हो कि सब जिस हिसाब से खाते हैं, आपको उसी हिसाब से नॉर्मल फूड लेना है, है ना। और एक्स्ट्रा मील तभी एडवाइस की जाती है ट्रेनिंग चल रही है, है ना, या आपकी ट्रेनिंग लोड ज्यादा है तभी आपको ज्यादा खाना है, उसी हिसाब से ट्रेनिंग के बाद आपको फिर ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि
कि आपकी रिकवरी वगैरह वो सब देखना होता है, तो उस हिसाब से फिर आपको मिड में जो इंटरवल्स होते हैं आपकी, मिड इंटरवल्स मील्स होती हैं, वो आपको फिर ज्यादा शॉर्ट टर्म रखनी होती है। अदरवाइज रेस्टिंग डे में जो रूटीन डाइट होती है हमारी, एक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, वो आप बेसिकली नॉर्मल ले सकते हो जैसे सब लेते हैं, और बीच बीच में जो फ्रूट्स वगैरह है वो आप टेक कर सकते हो। But don't miss the balanced diet. अगर आप रेस्ट में भी हो तो कोशिश करो कि आप इक्वली प्रोटीन भी खाओ, कार्बोहाइड्रेट भी लो एंड मिनरल्स भी, कोई कमी नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो एक बैलेंस डाइट का बताया है, तो बैलेंस डाइट तो सबके लिए ही चाहिए है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो चीजें आपने जो सारी चीजें ध्यान में रखे ही, आपको चाहे आप डेली कर रहे हो या आप रेस्टिंग डे में कर रहे हो, आपको उसी तरीके से मेंटेन करना। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट अमित सिंह राजपूत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सनलाइट हमें इतनी देर लेनी चाहिए मैडम? अगर विटामिन डी, जी विटामिन डी अगर कम है तो सनलाइट जो है मेनली मॉर्निंग के टाइम ज्यादा इफेक्टिव होती है, और यही कोई जो अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे का टाइम होता है उस टाइम पे आप 10-15 मिनट के लिए भी अगर आप सन एक्सपोज में होते हैं तो आपको विटामिन डी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। ये सभी एज में मैम, सभी एज में यही है सेम? हाँ जी, सभी एज में, एज मतलब एज सभी एज के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए जो इफेक्टिव टाइम है सनलाइट का वो मॉर्निंग का होता है, और वही आपका अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे जो है आप जो 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए सन एक्सपोज होंगे उसी में ही आपको अच्छी सनलाइट मिल सकती है या अच्छा विटामिन डी उससे मिल सकता है। थैंक यू मैम वेरी मच, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज मिस्टर विक्रम। हेलो। यस विक्रम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, विक्रम डोगरा बात कर रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। आपने ऑलरेडी स्ट्रेस किया सर मिल्क की इम्पोर्टेंस पे, मिल्क के बारे में सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे मार्केट में ऑप्शंस आती हैं रिगार्डिंग बफलो मिल्क, काउज मिल्क, स्पेसिफिकली काउज मिल्क विच आर रिच इन A2 प्रोटीन, या टेट्रा पैक में आजकल जो होमोजेनाइज मिल्क आते हैं, इसमें फॉर अ साइक्लिस्ट हमारी क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए? सी वी शुड अवॉइड दैट क्रीम, फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क इज गुड फॉर साइक्लिस्ट, टोंड मिल्क आप जितना पी सकते हैं पीजिए, काउ मिल्क इज आल्सो मच बेटर बिकॉज इट हैज वेरी लेस फैट कंटेंट, तो खिलाड़ी के लिए टोंड मिल्क या जो होमोग्लाइज मिल्क आपने बताया दे आर ओके, बट फुल क्रीम शुड बी अवॉइड। ठीक है जी। Am I right, Shikha ji? Yes, sir. आपकी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, तो वो तो आप ऐसे ही रखेंगे, लेकिन क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसके इमीडिएटली मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको शॉर्ट इंटरवल्स मील्स लेना जरूरी है ना, तो 5-6 मील्स आप ड्यूरिंग आपके जो ट्रेनिंग पीरियड है उस टाइम पे आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सुबह जा रहे हैं तो इस सुबह एक आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो उसमें आप स्नैक्स वगैरह लोगे कोई, है ना, तो शॉर्ट जो भी आप इजिली अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे में उठते हैं तो हम शॉर्ट स्नैक्स लेते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें वो तो लेना ही है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग के कंप्लीट करते हैं तो उसके हम इमीडिएट बाद ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो इस तरीके से हमारी शॉर्ट इंटरवल्स मील्स हो जाती हैं, तो अगर आपकी इवनिंग में भी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के इमीडिएट बाद भी आपको वैसे ही करना होगा कि कुछ आपको जैसे शाम को भी आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो ट्रेनिंग से पहले आप कुछ स्नैक्स वगैरह लोगे या कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए या डेट्स वगैरह हो गया या आप मफिन वगैरह ले सकते हो जैसे, क्योंकि इवनिंग में 4-5 बजे का टाइम होता है यूजुअली लोग उसमें मिल्क वगैरह लेते हैं, है ना, Roughly 7 meals is not a problem.
नेक्स्ट वन इज मिस्टर विवेक. हेलो सर. यस विवेक. माय क्वेश्चन इज फॉर वीएन सर. सर. यस. जैसे सर दिल्ली का जो नेशनल कैंप है सर आईजी स्टेडियम का. Yeah. वो स्टार्ट हो चुका है सर. तो जैसे बाकी के जो स्टेट के सेंटर्स है एट लास्ट मैंने जनवरी में जो ट्रायल्स थी आईजी स्टेडियम में वॉट बाइक की वो पास किए. और मेरा नाम विवेक लोखंडे है. मैं महाराष्ट्र से हूँ सर. वो पास किए और मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ सर. तो ऐसा सिर्फ दिल्ली का नेशनल कैंप स्टार्ट हुआ है या फिर दूसरे जो स्टेट्स के सेंटर से रीजनल सेंटर्स वगैरह सब स्टार्ट हो चुके हैं सर? अभी तो नेशनल कोचिंग कैंप शुरू हुआ है. अगले दो सेंटर्स हैं जो मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है. वो नेक्स्ट मे बी नवंबर दिसंबर तक शुरू हो पाएगा. तो जस्ट वेट, वी विल अनाउंस एज सून एज इट इज ओपन. कोविड के चक्कर में अभी केवल टॉप खिलाड़ियों को ही बुलाया. ठीक है. ओके सर. सर वन मोर क्वेश्चन. ओके सर. वो जो वॉट बाइक पे जो टेस्ट लिए है सर वो क्या बेसिस पे लिए सर? 6 सेकंड प्लस 30 सेकंड प्लस 4 मिनट सर. इसमें से सर कौन सा टेस्ट है जो स्प्रिंट या फिर एंड्योरेंस के लिए लिया गया है सर? 6 सेकंड वाले जो टेस्ट है दो बार जो आपने किए वो स्प्रिंटिंग और 30 सेकंड इवन 30 सेकंड दिस टू आर फॉर स्प्रिंटिंग. एंड जो 4 मिनट का था लास्ट वाला वो एंड्योरेंस उससे इंड्योरेंस की टेस्ट हुई है. तो जो खिलाड़ी हमें स्प्रिंट में अच्छे थे उनको स्प्रिंट के लिए लिया गया. जो इंड्योरेंस में अच्छे मिले हमें उनको इंड्योरेंस इवेंट के लिए कंसीडर किया. तो सर मुझे कैसा पता चलेगा या सर मैं एंड्योरेंस में हूँ या फिर स्प्रिंट में हूँ सर? क्योंकि मैं जो यहाँ पर मेरे हमने जो आपके सेक्रेटरी साहब को भेजा था जो लिस्ट उसमें भेजा हुआ है कि किस आधार पर किया गया है. I think एक बार मुझे ऑफिस में एक बार देखना पड़ेगा. We'll intimate you. Okay sir. और वो क्या है ना सर मैं यहाँ पर कल जो ट्रेनिंग करता हूँ ना सर मेरे ग्रुप के साथ तो उसमें मेरे को प्लान्स वगैरह में थोड़ा ये होता है कि मैं स्प्रिंट की ट्रेनिंग करूँ या फिर एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करूँ. प्लान्स वगैरह तो बेटा इट्स फिजिकल फिटनेस. ये तो फिजिकल इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं. तो उसमें स्प्रिंट हो या एंड्योरेंस हो आपको फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही है. दैट डजंट मैटर क्या स्प्रिंट में करना है तो नहीं करना और या एंड्योरेंस के लिए नहीं करना ऐसी कोई बात नहीं. और बोथ द इवेंट्स यू हैव टू डू दिस फिजिकल फिटनेस इज कंपलसरी. ये तो जितना बढ़ाओगे उतनी आपको इजी होगा आपके इवेंट. ओके थैंक यू सो मच. यू कंटिन्यू योर फिजिकल फिटनेस. Rest, okay. Cycling, yeah, when you come, you will tell you what event it was. Okay? Thank you so much, sir. Well. VNG, मेरा दो क्वेश्चन है शिखा जी के लिए. Can I ask? Please. Yes, yes, why not? शिखा जी, आप जैसा आपने बताया था कि पोस्ट ट्रेनिंग मील जो होता है वो 2 hours के अंदर लेना है. जी, तो 2 hours ज्यादा टाइम तो नहीं होगा? मतलब ये कुछ गोल्डन पीरियड बताते कोई स्पेशलिस्ट ये 40 मिनट्स के अंदर जो खाना चाहिए ट्रेनिंग के बाद में. तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना जल्दी का है वो उतना अच्छा होगा कि कुछ टाइम कुछ देर के बाद में खाना? आपका सजेशन क्या है? सर जितना जल्दी खाएं उतना ज्यादा अच्छा है. मतलब उसकी एक हाँ ये टाइम सेट है कि विद इन इसके इससे ज्यादा लेट ना हो, है ना? 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था. एंड मैक्सवेल जी, नॉर्मली एज सून एज पॉसिबल अगर 20 मिनट के अंदर खाए तो ज्यादा फायदा. तो मेरा हम स्ट्रेस यही करते हैं कि खिलाड़ी जैसे वर्कआउट खत्म हो 20 मिनट के अंदर ही शुड हैव समथिंग. वही क्लैरिफिकेशन था मेरा. एक और क्वेश्चन शिखा जी आपके लिए, अगर आपने डाइट में ये जो पीनट ऑयल के जगह अगर कोकोनट ऑयल यूज करे तो क्या बेहतर होगा? सर दोनों ही चीजें बेटर हैं. कोकोनट ऑयल भी एक हेल्दी ऑप्शन है तो वो भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं. ले सकते ना उसके अंदर? जी सर बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. ओलिव ऑयल भी ठीक है सर. ओलिव ऑयल अंग्रेज वही यूज करते हैं ना ज्यादा. वो तो सबसे अच्छा है. नेक्स्ट ऑप्शन बट कॉस्टली आजकल तो कैनोला भी है. कैनोला ऑयल भी आ गया है. हां दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन. या ओके नेक्स्ट वन इज फिर्स.
फ्रॉम बिहार इसको लास्ट में रख रोज क्वेश्चन पूछ रहा है इसको सैटरडे को भेज इसको कल बता हाँ बोलो गुड मॉर्निंग सर थ्री क्वेश्चन है ये होलसेल में ला रहा है सैटरडे सैटरडे चलते तेरा सैटरडे को जवाब देंगे बाकी देख लाइन लाइन में कितने हैं अभी बस बस सर छोटा छोटा क्वेश्चन है सर ये हमारे बॉडी में कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है इसका क्या चेकअप होगा कैसे चेकअप होगा कि फैट्स प्रोटीन्स मैडम थोड़ा सा बताएं देखिए इसके लिए आप जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वहाँ पे एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट होता है ठीक है एक मशीन होती है जिसके थ्रू आपका बॉडी का जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका परसेंटेज पता चलता है तो एक तो वो चीज आप करा सकते हो अपना बीसी एनालिसिस जिसको बोलते हैं ठीक है उसके हिसाब से फिर आप अपना देख सकते हो कि आपके यहाँ जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है उनकी एडवाइस लेके कि आपको क्या चीजें कम है या क्या चीजें ज्यादा है उसके हिसाब से अपना डाइट मॉडिफाई करा सकते हो दूसरी चीज इसके लिए कुछ आपके लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जैसे आपका आयरन कैल्शियम वगैरह है ये सब नॉर्मली ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हो जाता है तो वो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं सारे और इसमें आपका लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब कुछ आ जाता है तो वो आप टेस्ट करा सकते हो तो उससे भी आपका पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें आपकी बॉडी में आपको रिक्वायरमेंट है किन चीजों की तो दोनों तरीके से कर सकते हो एक आपका बीसीए टेस्ट हो गया एक आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया जिसमें आपका जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं ब्लड सैंपल लेके उस तरीके से आप कर सकते हैं वो आप किसी भी डॉक्टर्स या आपके जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट है उनके सजेशन से आप करवा सकते हैं My second question is, जैसे आपने कहा था 90 minutes के बाद ही sports drink लेना है तो उससे पहले क्या हम लोग ग्लूकोज इलेक्ट्रोल और या प्लेन वाटर क्या यूज करें बिल्कुल बिल्कुल ग्लूकोज हो गया इलेक्ट्रोल वाटर हो गया एनर्जाइल ड्रिंक आती है या आप नॉर्मली घर में नींबू नमक की जो शिकंजी बनाते हैं हम लोग ये आप सारी चीजें ले सकते हैं ठीक है इनको लेने से कोई नुकसान नहीं है और ये तो इनफैक्ट सारी होम मेड चीजें हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए तो ये चीजें ज्यादा लें ठीक है और जब ट्रेनिंग का लोड ज्यादा है तभी आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक का यूज करना और मेरा तीसरा क्वेश्चन वीएन सर से है सर ये खेलो इंडिया का गर्ल्स का लिस्ट नहीं आया एसोसिएशन गर्ल्स का नहीं हमने भेजा तो था तुम्हारे यहाँ से कोई गर्ल्स शायद एक ही लड़की है सुहानी है कोई है बिना विल्टर बाद में बता देगा तुम्हें कल बता देंगे ओके सर क्योंकि ईमेल पर नहीं आया अच्छा मेरे ख्याल से एक लड़की है लेकिन अदरवाइज कई लड़कियां कई लड़के तुम्हारे बिहार से ना ओवर एज हो गए एज डिफॉल्ट में पकड़े गए थे आठ लड़के थे बट कई बच्चे उसमें एज डिफॉल्ट में पकड़े गए थे इसलिए उनको निकाल दिया गया राइट दूसरा जो टेस्ट का मैडम ने बताया जब भी कोई कोच जो आप नेशनल लेवल का अगर तैयारी करते हो तो एक बार हेमोग्राम KFT होता है किडनी फंक्शनल टेस्ट ये आपका HB वगैरह जो होता है ना वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं तो एक बार टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए लिपिड प्रोफाइल है विटामिन डी का भी टेस्ट उसमें आता एक एक्स्ट्रा होता है तो अगर ये टेस्ट करा लोगे तो खिलाड़ी को आपको पता चल जाएगा कि मेरे शरीर में ये कमियां अगर हैं तो उसी हिसाब से आप डाइट ओके ओके सर थैंक यू तो ज्यादा क्वेश्चन है सैटरडे स्पेशल सेशन है उस दिन ओके नेक्स्ट मिस्टर लिग्नेश हेलो यस जिग्नेश भाई बोलिए यस सर गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग सर मेरा सवाल ये है कि मेरा लड़का है 13 साल का डाइट रिलेटेड है तो मैडम बताएं हाँ जी डाइट रिलेटेड है सर मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग जी बताइए मैं सूरत से हूँ गुजरात मेरा लड़का है जो रोड डिवीजन पे नेशनल खेलता है वो 13 इयर्स उसके कंप्लीट हुए 14 आई थिंक रनिंग अभी 1 month हुआ तो उसकी हाइट है 5 feet तो उसका वेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए मैम कितना 14 इयर्स का है 14 इयर्स अभी स्टार्ट हुआ अच्छा 13 इयर्स का और हाइट कितनी है हाइट कितनी बताइए आप 5 feet है 5 feet हां तो उसका वेट अप्रोक्सीमेट 50 kg या 52 या 53 kg के अप्रोक्स होना चाहिए
अच्छा तो उसका वेट तो मैम अभी तो 40 केजी है। आई विल ट्राई उसका वेट मैं गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब डाइट क्या फॉलो अप करना चाहिए उसके लिए अभी फिलहाल? उसकी वर्कआउट भी उसका रेगुलर है मॉर्निंग में, इसके लिए इम्पोर्टेंट है हर रोज का 20-25 समथिंग का उसका वर्कआउट रहता है किलोमीटर। तो आप जो डाइट उसको दे रहे हैं बेटे को वो इम्पोर्टेंट है कि आप कितना खिला रहे हैं, मतलब कितनी क्या कितनी कैलोरीज वो ले रहे हैं, है ना। तो अगर आप ज्यादा जैसे आप बता रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा है तो उस हिसाब से आपको ये मॉनिटर करना है कि उसकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, कितनी कैलोरीज बर्न होनी है उस हिसाब से आपको उसको बैलेंस कराना है, मतलब वो फिर आपको एड ऑन करना है, हाँ उस हिसाब से आपको खिलाना है। और रेस्ट जो प्लान होता है, देखिए आपको उसके लिए उसका मुझे पूरा रिकॉल वगैरह वो सारी चीजें पता होंगी तो मैं ज्यादा अच्छे से स्पेसिफिकली बता पाऊंगी कि उसको कितना कैलोरीज अभी एट प्रेजेंट वेट गेन करने के लिए खाना चाहिए। बेसिकली आपको मेरा एडवाइस है जिग्नेश जी, यस सर, हां जी सर, बच्चे को एक तो हर वीक आप एक उसका वेट चार्ट बनाए, हां जी, बट कोई एक दिन सेलेक्ट कीजिए संडे मंडे व्हाटएवर, ठीक है, और एक समय मॉर्निंग में ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद कोई एक समय में आप उसका वेट का एक चार्ट बनाएं, जो ड्रेस पहन के करता है उसी ड्रेस में, यानी कि तो स्पोर्ट्स ड्रेस में, या पानी वगैरह ना पिए उस समय, मतलब एक कंडीशन सेम होने चाहिए हर वीक का, और टेक हिज वेट। नाउ आप अभी जो डाइट दे रहे हैं अगर उसका वेट 2-3 सप्ताह तक कंस्टेंट रहता है, दैट मींस आपका डाइट उतना ही है जितना वो खर्च कर रहा है, बिल्कुल। अगर अगर उसका थोड़ा स्लाइटली बढ़ रहा है तो डाइट ठीक दिशा में है, अगर घट रहा है तो डाइट कम है ट्रेनिंग ज्यादा है, तो समवेयर यू हैव टू कीप ए बैलेंस, ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, और वो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, आप 2 महीने लगातार मॉनिटर करोगे हर वीक का लेकर, देन यू विल कम टू नो वेयर यू आर लैकिंग, then we can advise much better. Okay, okay sir. Thank you very much, sir. Thank you. Next. Okay. Mr. Suraji. Good afternoon, ma'am. जो साइक्लिस्ट कैंप पे रहता है तो वो लोग का तो कोच है, डाइटिशियन है, वो लोग का प्रॉपर जो जो चीज चाहिए मिल जाता है? जो नॉर्मल जगह पे रहता है, मतलब इंडिया का कोई साउथ पे कोई नॉर्थ में, वो लोग का क्या लेना चाहिए, मतलब किस चीज से फोकस होना चाहिए डाइट का बारे में? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के, ओके। तो आपके उधर डाइटिशियंस नहीं है? नहीं मैम। ओके, तो देखिये बेसिकली अभी आपका क्या मतलब क्या कंसर्न है, मैं वो जानना चाह रही हूँ, मतलब किस चीज में फोकस होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट मतलब हम लोग तो चावल खाता है, रोटी खाता जी, है जी, तो जी. उसमें हम लोग मिल जाता है ना, दाल खाता है, सब्जी खाता है, फिश खाता है, अंडा खाता है, तो उसमें हम लोग का जो डाइट का रिक्वायरमेंट है सब मिल जाता है ना हम लोग? बिल्कुल मिल सकता है। तो देखिये वेस्ट बंगाल के साइड में जो आप लोग का स्टेपल डाइट है वो चावल ही है ना, तो ऐसा नहीं है कि चावल खाने से आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि वीट है, तो वीट भी आप ले सकते हो, बिकॉज वीट लेने में कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप राइस भी ले रहे हैं तो अगर राइस भी आप ले सकते हैं, बिकॉज अगर आपका रोड ट्रेनिंग रहता है, रोड आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसे राइस के फॉर्म में भी पूरा कर सकते, है ना। बट आपको ये देखना है कि आप ओवरवेट ना हो, है ना, अदरवाइज बाकी चीजें जैसे आप फिश वगैरह है और दाले वाले हैं वो सारी चीजें तो आप ले ही रहे हो। आपको उसमें मेन जो है आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऐड करने हैं, अपने ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है, तो वो चीजें आप थोड़ा सा मिनरल्स को और फोकस करो, है ना, तो वो जो चीजें लैकिंग हो रही है उनको फुलफिल करो, है ना, और बैलेंस कर सकते हैं। और राइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ रहा है या आपको लगता है कि फैट ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप उसमें फॉर्म में ब्राउन राइस जो एक आते हैं मार्केट में
विद फुल हस्क, उसकी जो चावल की एक हस्क होती है उसके साथ में वो मार्केट में मिलते हैं, इसको सेला चावल भी बोलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका वेट जो है वो भी मेंटेन रहेगा और आपका जो कैलोरीज है आप जो कंजप्शन ले रहे हो, बिकॉज आप राइस ज्यादा खाने मतलब लाइक करते हैं, तो आप उस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। रेस्ट आपको ये देखना है कि आपका कितना मिल्क है या आप कितना वेजिटेबल्स है, वो सारी चीजें आप इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें भी आप साथ में इंक्लूड करिए, बैलेंस करिए उसको। और एक क्वेश्चन है मैम, अब जो पोटैटो बताया ना, और स्वीट पोटैटो अच्छा है कि नॉर्मल पोटैटो अच्छा है, हम लोग अगर बॉईल करके खाएगा तो दूसरों का वैल्यू एक है कि अलग है? दोनों ही इक्वल हैं, दोनों का ही मैंने जो स्लाइड आपके साथ शेयर की थी कार्बोहाइड्रेट की, तो मैंने उसमें क्वांटिटी आपको प्रिस्क्राइब की हुई है ना, कि अगर आप उतना लेते हैं तो उससे आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, तो दोनों ही सोर्सेज इक्वल हैं, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो मार्केट में वो आप ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो थोड़ा सा कॉस्टली है, तो नॉर्मल पोटैटो खाने में भी कोई नुकसान नहीं। ओके, और एक मैम, आप जो चार्ट दिखा रहा था तो उसमें पोटैटो था, स्वीट पोटैटो था, फिर रागी था, ब्लैक चना, छोले, सब हाफ हाफ कप में दिया था, तो उसमें कैसे मैं मेजर करूंगा? हाफ कप मतलब वो हाफ कप है, कप नॉर्मल घर में हमारे कप होते हैं चाय के, लोग स्वीट पोटैटो पोटैटो हाफ कप में कैसे मेजर करेगा? उसको कट करके कट करके वो हाफ, हाँ मतलब आप एक कटोरी या बाउल जो है जो नॉर्मल कप साइज होता है उसमें मतलब आप कट करके उसमें आप मेजर कर सकते हैं कि सुराजी कट करेगा तो इसे अंडरवेट ही रहेगा, ज्यादा खा लो ना क्या फर्क पड़ता है, आप एक कप से दो कप के बराबर खा लो ऐसे ही अंडरवेट हो, आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब था कि आप उसमें कार्बोहाइड्रेट है और थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा जितना अवेलेबिलिटी हो उतना खाओ, तो वैसे अंडरवेट हो आप। अच्छा, ये क्लास देने का मतलब यही था कि पूरे इंडिया भर के लोग इससे फायदा उठाएं, न कि केवल नेशनल कैंप में मैडम हमें सिखाती हैं। तो आज आपको इसीलिए समझाया गया कि आप लोग या केरला में है या तमिलनाडु में है या मणिपुर में, सभी लोग सुन रहे हैं, ये जो मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया था ये सब अभी यूट्यूब पर डाला जाएगा, उसमें आप पूरा पढ़ो एक बार, फिर से एक बार सुनो, आपको सारी चीजों का जानकारी इन्होंने दिया ही है, फिर और कोई दिक्कत होगा फिर बात करेंगे, ठीक है? सैटरडे को फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा। सर आपका साथ एक क्वेश्चन है सर, अभी 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 सैटरडे को देखो कई लोग हैं, नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मेनी पीपल आर हैव रेज्ड द हैंड, वी हैव टू फिनिश एवरीथिंग। ओके, थैंक यू डियर। सैटरडे वी हैव अ स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो ज्यादा क्वेश्चन उसमें कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट वन इज सर दीप जैते। यस दीप, हाय सर, हाय मैम। हेलो मैम, वो क्या मतलब क्या खाने से प्रोटीन मिल सकता है? मतलब क्या खाने से प्रोटीन मिल सकता है मैम? प्रोटीन मिल सकता है। हाँ, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? दोनों ही है मैम। तो आप अगर दोनों ही चीजें खाते हो तो आप चिकन है, फिश है और एग, ये तो आप नॉन वेज में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप वेजिटेरियन के ऑप्शन में देखना चाहते हो तो उसमें आप सारी दालें जो है और जो अनाज होते हैं उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है, ठीक है? साथ में सोयाबीन हो गया आपका, या फिर आपका टोफू एक आता है मार्केट में वो हो गया, या फिर न्यूट्रिला वगैरह है, पनीर है, इन सब में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अच्छा मैम, हम लोग का असम में ज्यादातर चावल ज्यादा चलता है, मतलब तो मच्छी भी तो खाता है, मच्छी भी तो मिलता होगा मच्छी गांव पे तो प्रोटीन है। तो चावल चिकन फर्स्ट क्लास। यस सर। ठीक है, हाँ यस सर। ओके गुड, थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट वन इज साक्षी यादव। हेलो साक्षी, यस। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज साक्षी जाधव, आई हैव अ क्वेश्चन टू शिखा मैम। माय एज इज 20 इयर्स, सो हाउ कैन आई गेन वेट? ओके,
साक्षी देखिए मैं आपको जनरल चीजें बताऊंगी जिससे कि वेट गेन कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तो आपके जो इम्पोर्टेंट है कि क्या डाइट ले रहे हैं आप, तो वो थोड़ा सा मुझे रिकॉल बताओगे तो मैं आपको ज्यादा स्पेसिफिकली बता सकती हूँ कि आप ये चीजें एड ऑन कर सकते हैं। बट अगर आपको वेट गेन करना है तो उसके लिए आपको बॉडी डाइट में डेट्स वगैरह है, जो खजूर आते हैं आपके, केला है, या आप थोड़ा सा मिल्क का इंटेक बढ़ा सकते हो डाइट में। प्लस आप जैसे कोई भी जैसे आप डाइट ले रहे हो, जैसे आप लेट से कि आप दो चपाती ले रहे हो साक्षी, तो आप उसको दो चपाती से धीरे धीरे आप उसको ढाई से तीन करके अपना अपना जो डाइट का है इंटेक उसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, तो आपका धीरे धीरे वेट गेन हो जाएगा। और दूसरा आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड्स कर सकते हो जो इजीली मिल सकता है रात को, आप सोते टाइम दूध के साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में ले सकते हो सोते टाइम। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक चलेंगे तो आपको मसल्स गेन भी होगा और वेट भी गेन होगा, बट वो एक हेल्दी वे में। यस ओके, एंड व्हाट शुड बी द आइडियल वेट लाइक फॉर मी? व्हाट्स योर हाइट? माय हाइट इज 158 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, और कितनी एज है साक्षी आपकी? 20। तो अप्रोक्सीमेट आपका वही 50 और 53 के अप्रोक्सीमेट जो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। ओके थैंक यू। नेक्स्ट चेक नेक्स्ट वन इज मिस्टर अर्णव तरसिया। हेलो। यस अर्णव। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सो मैम, माय क्वेश्चन इज दैट नाउडेज मेनी प्रोटीन ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट कंटेन्स सेवरल प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स एज स्पेसिफाइड अंडर द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो मींस हाउ टू जज दैट विच प्रोटीन ब्रांड इज सेफर टू टेक फॉर एन एथलीट? मींस इज देयर द प्रोटीन ब्रांड्स आर स्पेसिफाइड अंडर द साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और एनी अदर साइट? See, according to me, though, I will not suggest any supplements if any your body required any supplements. Let's say ki I would suggest ki first of all you have to check your all over the measurements. Okay, if you are okay, then you have to go for the brands. Otherwise, basically you can choose those brands who are easily available in the market, and that can be you can consult with your doctor first. That should be safe or not, but I will not commit for a specific brand that you should have that brand. Okay, so I will not take the name of the brand. That is all you can discuss with your doctor. So for that, for supplements, I would not say ki I am the right person for that. Ki I would suggest ki you have to take this brand or that brand. So, we'll definitely discuss with your doctor first and they will prescribe you according to your medical condition. One more question, ma'am. बेटा तुमने खुद बताया कि there are so many adulterated आते हैं ना, इसलिए आप you have to be careful because बहुत सारे ब्रांड हैं लेकिन maximum adulterated है, इसलिए सब में डोप के content मिल सकते हैं, इसलिए be careful. ऐसे ही इंडियन एक आता है, प्रोटीनेक्स आता है, आपके दवाई की दुकानों पर मिल जाएगा। प्रोटीनेक्स इज आल्सो गुड, इट हैज ए गुड प्रोटीन। ओके सर। मैम वन मोर डाउट मैम, मींस व्हाट इज द आइडियल वेट फॉर माय एज? मैम माय एज इज 17 इयर्स ओल्ड एंड माय हाइट इज 5 feet 9 inches। ओके, सो आइडियल वेट शुड बी 59 टू 60 केजी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, वेलकम। Next one is Miss Tina. Hello. Yes. Yes, Tina. बोलिए. Unmute yourself. आप unmute कीजिए. Hello. Yes. सर आपको सुनाई दे रहे हैं? Yeah. हाँ, मैं 14 years की हूँ, मैं असम से हूँ. मेरा हाइट है 5'7" ऐसा होगा, 164 cm।
उस मतलब हाइट के वजह से मेरा वेट कितना होना चाहिए? मैडम 5'2" हाइट है तो आपका आइडियल वेट 52 केजी होना चाहिए। 5'7" है मेरा हाइट। 5'7 है तो 57 केजी वेट होना चाहिए। हाँ, और साइकिल में वेट फैक्टर करता है ना? यस बेटा, बिल्कुल फैक्टर करता है। आप जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा भार खींचना पड़ेगा, ठीक है? एनी अदर थिंग, एनीथिंग एल्स? हाँ सर, खेलो इंडिया, सर खेलो इंडिया। म्यूट हो गया, म्यूट बार बार अपने आप को म्यूट कर ले रहे हैं। हाँ बोलो। खेलो इंडिया में हम लोग को कैसे पता चलेगा, मतलब हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? खेलो इंडिया में आप ट्रायल दिया था इसके पहले? नहीं सर। अच्छा, तो अभी आगे जब नेक्स्ट फरवरी में ट्रायल होंगे उसमें भाग लीजिए। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगी तो जैसे 7 feet ब्रॉड जंप करना चाहिए और वर्टिकल जंप आपको 20 inches के आसपास वर्टिकल जंप करना चाहिए, 800 मीटर 3 minutes 15 seconds के नीचे आपको दौड़ना है। ये 3 tests में अगर पास करेंगी उसके बाद में वाट बाइक टेस्ट होगा, तो उसके बाद में हम सेलेक्ट करते हैं खेलो इंडिया। ओके सर, थैंक यू सर। तैयारी करो, फरवरी में टेस्ट होंगे दोबारा, ठीक है सर। दत्तात्रेय जी का क्या क्वेश्चन है? हेलो, यस दत्तु जी। सुने आ रहा? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते, मुझे मैडम से थोड़ा सा सजेशन लेनी थी और कुछ। प्लीज। बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, वी कैन हियर। ओके मैडम, बच्चे सवेरे अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग को जाते हैं, जाने से पहले उनको ऐसा सिंपल चीज बताइए, ये चीज खा के जाना, ये चीज आप साथ में ट्रेनिंग के लिए ले जाए, तो उससे क्या होगा और बच्चों के लिए जनरली आप ये सभी बता रहे हैं लेकिन उनको जनरल फ्रूट्स हो या बनाना ऐसी चीज जो चीज लेना है वो बता दीजिए तो उनको ईजी हो जाएगा मैडम एवरी डे ट्रेनिंग से पहले ये ले जाने के लिए। ओके जी, जी सर। देखिए, मैंने जैसे बताया कि आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए अगर जल्दी उठते हैं तो 2-3 चीजें मैंने बताई थी, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स हो गए, बनाना आपने बताया एक चीज, वो आप ले सकते हैं साथ में। जैसे दलिया वगैरह है, ये थोड़ा सा लाइट होता है, दलिया पोहा और सूजी के उपमा जो होता है, तो ये सारे लाइट स्नैक्स। ट्रेनिंग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं वो लोग, जैसा कि जी अर्ली मॉर्निंग में सर आपकी मफिन्स हो गई, मफिन्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि एक चॉकलेट एनर्जी बार्स होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। मेरा 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 आपसे सजेशन पूछता ये है कि बच्चे जो लोग वो एफर्ट नहीं कर सकते, गांव में रहते लड़के लोग, उनके लिए सिंपल डाइट बता दीजिए, वो लोग ये चीज फॉर एग्जांपल बनाना खाते जाइए आप, ऐसा चीज नहीं। चपाती, चपाती तो इजीली अवेलेबल है, उसमें जाम लगा के नहीं, उसमें जैम लगा के, दैट इज आल्सो गुड। या वैसे चीज ब्रेड, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड जैम ले सकते हैं सर, ब्रेड जैम। वही आप कहने से वो लोग फॉलो करेंगे, हम कहने से कोई फॉलो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप भी कहेंगे तो फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सभी सुन रहे हैं। राइट, थैंक यू, थैंक यू। ओके नेक्स्ट वन चंद्रन चेतियार। ओके नेक्स्ट 2 questions वी विल टेक, विल फिनिश इट अप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। Madam, before or during, before or during competition, I mean, some electrol or glucose water pita. Advantage or disadvantage? Electrol water or glucose water? Advantage ही है, इसको लेने कोई नुकसान नहीं है। Glucose is normal sugar, जैसे हम लोग घर में चीनी का और नमक का पानी का घोल बनाते हैं, वही चीज होती है। ग्लूकोज जो है वो इट्स जस्ट अ शुगर जो डायरेक्ट हमारी बॉडी को शुगर के फॉर्म में देते हैं, तो इसको लेना कोई नुकसान नहीं है। गुड मैडम, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जो हाँ जी, कंपटीशन टाइम में प्लेन वाटर अच्छा है और इलेक्ट्रोल वाटर अच्छा है? देखिए सर, इजी तो आपका ग्लूकोज वाटर है,
ग्लूकोज ग्लूकोज वाटर है, उसमें आपने सॉल्ट ऐड करना है और बाकी इलेक्ट्रोल जो है वो भी वही चीज है, लेकिन वो जो लोग थोड़ा से उनको है कि वो परचेज नहीं कर सकते तो वो घर में शुगर और सॉल्ट का इंटेक करें। ओके ओके थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट वन मिस्टर अमन राज। हेलो सर। यस अमन बोलो। सर आई एम अमन राज कॉलिंग फ्रॉम बिहार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रैक साइकिलिंग में सर वेट का क्या इम्पोर्टेंस? ट्रैक साइकिलिंग में वेट का इम्पोर्टेंस, सी वेट का सीधा संबंध खासकर सर स्प्रिंट में मस्कुलरिटी से है। ओके अगर वेट में आपके फैट परसेंटेज ज्यादा है तो वो वेट हमारे लिए बर्डन है। ओके अगर वेट में फैट परसेंटेज नॉमिनल है एंड मस्कुलरिटी ज्यादा है, मसल मास ज्यादा है, then that is advantage for a sprinter because ज्यादा मसल होने से ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है और वो ज्यादा फास्ट ही कैन परफॉर्म मच बेटर। ओके बट अगर मसल अगर वेट ज्यादा है लेकिन उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा है देन इट इज ए बर्डन फॉर यू आर जस्ट। हाँ वो गलत है, वो आप ज्यादा वेट साइकिल पर लेके ढो रहे हो, ठीक है, इसलिए वेट परसेंटेज शुड बी इन कंट्रोल एंड ज्यादा मस्कुलरिटी बॉडी में अगर है तो स्प्रिंटर के लिए बहुत अच्छा। सर एक और क्वेश्चन है सर कि मेरा वेट सर अभी हाइट मेरा 5'8" है ना, और वेट मेरा 65 kg है, तो क्या ये बैलेंस है कि फिर इसको मैडम बताइए बढ़ाना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा? आप कौन से आप रोड साइकिलिंग करते हैं या फिर ट्रैक साइकिलिंग के लिए हैं? ट्रैक साइकिलिंग। ठीक है आपका वेट अभी 58 कितना बताया आपने? 65 kg आपका वेट। 65 ट्रैक साइकिलिंग के लिए इतना वेट ठीक है आपका? देन आई थिंक दिस योर वेट इज ओके। और आप हां ये है कि अगर इसे बढ़ेगा तो खराब नहीं है, मगर ट्रैक उसको बढ़ाना है। हां मस्कुलरिटी बढ़ाना है आपको, जिम ट्रेनिंग अगर कर रहे हो या आपके मसल्स मास बढ़ते हैं then you will find that you are gaining aapke advantage hoga aapke event mein। okay main cheez hai aapko power to weight ratio thank you so much power badhana hai weight comparison mein weight badha khali badhane se koi fayda nahi hoga bade mote mote dole kar lo lekin taakat nahi usme matlab power jo cycling mein required hai agar usko develop nahi karoge to uska koi use nahi hai khali muscular hone se bhi fayda nahi hai you have to increase your power to weight ratio। okay sir okay ओके थैंक यू अमन। थैंक यू सर चैनल को थैंक यू पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू सर सो मच। लास्ट क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन नॉन वेजिटेरियन एंड डिसएडवांटेजेस और सिमिलरली वेजिटेरियन होने के एडवांटेजेस एंड नॉन मतलब डिसएडवांटेजेस ये सबके मतलब उससे कि विनीत तो बीच में किसी का क्वेश्चन जरूर आ रहा था कि मैं नॉन वेज हम खाएं ना खाएं क्या है राइट राइट अगर आप इस पे थोड़ा कुछ बताएं प्लीज। मैडम मैडम जरा इनका क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। जी सर बताइए मैम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ वेजिटेरियन सिमिलरली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन। जी देखिए सबसे पहले तो नॉन वेजिटेरियन के बारे में बताऊंगी कि अगर नॉन वेजिटेरियन है कोई तो उनके लिए एडवांटेज पहला ये है कि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं अपनी प्रोटीन रिच डाइट अगर उनको चाहिए तो उनके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं या उनके पास ज्यादा वैरायटी होती है खाने की है ना क्योंकि वो वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस ले सकते हैं। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मोस्टली जो मैं अभी देखती हूँ बच्चों के अंदर एक चीज होती है हैबिट की अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनको नॉन वेज ही खाना है फिर वो वेजिटेरियन फूड को हाथ नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हर खाने में जो हर वेज है या नॉन वेज खाना है हर किसी के अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ नॉन वेज में ही मिलता है कुछ चीजें वेज में भी अच्छी होती हैं तो हमें बैलेंस कर लेना चाहिए उस चीज बट यूजुअली ऐसा नहीं होता और वो चीज हमारी फिर ये होता है कि वो एक स्टेपल फूड की तरफ हम चले जाते हैं कि हम सिर्फ नॉन वेज बेस्ड डाइट ही लेते हैं फिर हम वेज की तरफ देखते नहीं है तो एक तो ये डिसएडवांटेज होता है जो मैंने एथलीट्स के अंदर देखा है और अगर आप उन्हें थोड़ा सा फॉलो भी कि आप सजेस्ट भी करना चाहो कि भाई आप ले लो तो वो प्रिफर नहीं करते हैं। तो
तो मेरा वही कंसर्न होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. चिकन है तो दाल भी है, है ना, चिकन है तो पनीर भी है, तो आप वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. सो दैट कि कैल्शियम वगैरह, जैसे पनीर वगैरह में थोड़ा ज्यादा अच्छा मिल जाता है या सोया में कैल्शियम रिच होता है, तो उसको लेने से आपको फायदा ही है, उससे नुकसान नहीं है. तो एक तो ये चीज होती है, ये है आपके नॉन वेजिटेरियंस. जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनके लिए पहली चीज मैं बताना चाहूंगी कि उनके लिए सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि वो लोग एक ही डाइट पे जैसे कि स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे उनके पास ऑप्शंस नहीं होते. और कभी हम उनको चाहें कि उनको ज्यादा डाइट, जैसे उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनरिच करना चाहें, तो हम उनको सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन चीजें लेइए. हमें उनके, हमारे पास वही लिमिटेड ऑप्शंस होंगे कि हमें उनको ब्लैक चना, लोबिया, सोयाबीन, राजमा और आपके टोफू जो सोया प्रोटीन होती है, हम उनको यही ऑप्शंस दे सकते हैं और इन्हीं से वो अपनी जो बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं. बट समहाउ कभी कभी क्या होता है कि वो चीजें नहीं हो पाती हैं, तो आपके पास वो चीजों का ऑप्शन नहीं होता कि आप उनको कोई नॉन वेज ऑप्शन आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं. तो ये तो उनका डिसएडवांटेज हो गया. बाकी एडवांटेज यही है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, उनको प्रोटीन नहीं मिलता है. बट ये हो सकता है कि अगर वो उसको वेजिटेरियन खाने को भी अच्छे से ऑप्ट करें डाइट में, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल किया जा सके. तो ऐसा कोई मेरिट डिमेरिट नहीं है, बट ये है कि इट्स जस्ट अ बैलेंसिंग डाइट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. और नॉन वेजिटेरियन के पास तो काफी अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि वो सब कुछ खा सकते हैं, बट वेजिटेरियन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उन्हें उन्हीं लिमिटेड फॉर्म में ही अपना जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करना पड़ता है. तो दैट इज अ बेस मेन डिफरेंस इन कनेक्शन विद रिलेटेड टू प्रोटीन, दैट्स इट. यस, इट्स ऑल रिलेटेड टू प्रोटीन. बट जैसे मैंने बताया कि वेजिटेरियन में जैसे मिल्क है, सोया वगैरह है, ये सारी चीजें होती है, तो इसमें आपको कैल्शियम वगैरह भी ज्यादा मिलता है. ऑल दो नॉन वेजिटेरियन में भी ये सारी चीजें होती हैं, बट लेकिन कैल्शियम जो है वो पनीर वगैरह में ज्यादा रिच फॉर्म में माना जाता है. तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप वो भी लीजिए. तो बस ये दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन वेज एंड नॉन वेज थिंग्स, तो वो थोड़ा सा रहता है. अदरवाइज मुझे लगता है कि सबको सब कुछ खाना चाहिए. अजीत जी, मैंने एक डिसएडवांटेज मेरे भी दिमाग में आई है, मैंने देखा प्रैक्टिकली अपने जो इंडियन खिलाड़ी हैं जो वेजिटेरियंस हैं, वो जो बाहर टूर्नामेंट में जाने के समय में उनके जो भोजन का जो हैबिट है, यहाँ अपने यहाँ तो भिंडी मसाला, आलू गोभी फ्राई सब मिल जाता है, बाहर जो वेजिटेरियन डाइट है वो पत्ते पुत्ते रख देते हैं, ठीक है, और गोभी के पत्ते और पता नहीं क्या क्या पत्ते ढेर लगा देते हैं, और आलू बॉयल करके रख देते हैं, ये जो बीन्स वगैरह है सब बॉयल करके वहां रखे रहते हैं. सो आवर पीपल हैव ए हैबिट ऑफ फ्राइड थिंग. यहाँ पर सब्जियों की वैरायटी है और हम उनको खाने का तरीका हमारा अलग है. फॉरेन टूर्नामेंट में जब आप जाते हैं देन यू फाइंड इट वेरी उनके बिल्कुल वेज जो आइटम्स है दे आर इंटायरली डिफरेंट, तो वो हमारे खिलाड़ी उनको खा नहीं पाते, दे आर एट डिसएडवांटेज. और कंपटीशन के समय में वो लोग ठीक से नहीं खा पा रहे, तो उसमें परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट करता है. तो हमारे वेजिटेरियंस को ये हैबिट्स भी, अब फॉरेन के सब्जियों को हम यहाँ पर तो बना नहीं सकते, तो दे हैव टू टेक सच टाइप ऑफ फूड. अगर बॉयल आलू यहाँ पर रख दो, देखिए कितने बच्चे लेते हैं, क्योंकि वहां यहाँ तो फ्राइड करके और आलू के बीज सब्जियां बनती हैं, वैसे खाने की आदत है. तो दैट्स लाइक दे हैव टू चेंज द हैबिट्स. वेजिटेरियंस है कि इफ यू वांट टू कंपीट ट्राई टू गो नॉन वेज, बिकॉज बाहर जाके तीन तीन महीने कैंप भी लगाते हैं, तो देन यू विल हैव देन नेचुरल. ओके, सो वी विल क्लोज दिस नाउ. अभी कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव आज 2 घंटे का सेशन हो गया. विद दिस आई एक्सटेंड माय वेरी मिस थैंक्स टू शिखा जी एंड आवर पैनल मेंबर्स मैक्सवेल ट्रेवर, अजीत जी फॉर वेरी वेरी नाइसली कंडक्टिंग दिस सेशन टुडे. काफी जानकारी दी आपने सभी को, खिलाड़ियों को.
और आगे भी हम आशा करते हैं जैसे जरूरत पड़ेगी आपकी सेवाएं ली जाएंगी. थैंक यू मिस शिखा एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. गुड लक. सी यू टुमारो एट 11 o'clock इन द सेम क्लास. थैंक यू. एक्सीलेंट लेक्चर.